श्रीमती पुष्पा मिश्री जी और कुमारी तनुजा पंडित जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। भूमि द्वार कुलते स्वर्ग के
निर्मल सुगंधित मंदिरों में भजन पूजन हो रहे, नंदा देवी नैनीताल कुमाऊँ चल हरा, शश श्यामल देश है ये अंजल धन से भरा, जयती जय जय उत्तरांचल, जयती जय जय उत्तरांचल, जयती जय जय उत्तरांचल। अकेला ने लिखा है और आज आपके सामने इसे सुनाया है श्रीमती पुष्पा सुपिष्ट और तनिजा बोलो जी। अब मैं गढ़वाल बात करेंगे श्री भरत सिंह मान्य बोलो जी। श्री भारत उत्तरांचल राज्य का सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास संगोष्ठी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं समस्त उत्तरांचल वासियों को शीघ्र गठित होने वाले नए पृथक राज्य की बधाई देता हूँ। मैं आज उन सभी लोगों का भी यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सामाजिक संगठित होकर राजनीतिक तौर पर प्रत्येक राज्य हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भूमिका निभाई है। मैं यहाँ पर उन लोगों का स्मरण करके भी नमन करता हूँ जिन्होंने कि प्रत्येक राज्य हेतु त्याग और बलिदान दिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं गढ़वाल भारती मंडल एक सामाजिक संस्था है। अपने स्थापना वर्ष से ही इस संस्था ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए कई प्रयत्न किए हैं। लोगों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना एवं जागरूकता लाने के लिए समय समय पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। यह आज आप सभी लोगों का सहयोग तथा आशीर्वाद का ही फल है कि गढ़वाल भारती मंडल आज इस तरह की गोष्ठी कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हिमालय का पानी और जवानी का पलायन तीव्र गति से होता जा रहा है। किसी भी क्षेत्र के महत्वपूर्ण संसाधनों का इस तरह से पलायन होना खतरनाक चीज है। हमें इस तरह के पलायन को और इस तरह के अस्वाभाविक पलायन को रोकना बहुत जरूरी है। जैसा कि सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक भौगोलिक राजनीतिक और विशेषकर प्रशासनिक संकट से गुजर रहा है। विकास के नाम पर कई अनुपयोगी तथा अव्यवहारिक योजनाओं का वहां निर्माण हुआ है। जैसे कि क्या कुछ सड़कों का बनना, सरकारी भवनों का निर्माण या बिना स्कूल बिना मास्टर के स्कूल बिना डॉक्टर का अस्पताल का बनना कोई विकास है? आज जबकि पृथक राज्य की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, सभी लोगों के मन में प्रश्न है कि पृथक राज्य का स्वरूप कैसे होगा। क्या पृथक राज्य से उत्तरांचल वासियों की अपेक्षाएं पूरी होंगी? वहां का विकास सही दिशा में होगा? यह तो बहुत ही विकास के साथ साथ अपनी सामाजिक तथा संस्कृति को भी बचाना है। इसी विषय को लेकर आज यह गोष्ठी आयोजित की गई है। इसके चिंतन तथा चर्चा सत्र के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उनको एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करके सरकार नई सरकार केंद्र सरकार तथा सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचा दिया जाएगा। हृदय से स्वागत करता हूं और गढ़वाल भारती मंडल की तरफ से आप सभी को यह आश्वासन देता हूं कि इस आयोजन के मंथन के निष्कर्षों को नई गठित सरकार एवं संबंधित लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय उत्तरांचल, जय हिंद। हम कोई भी कार्य करते हैं तो प्रारंभ में भी अंत में भी अपने से बड़ों का हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कई बार लोग कहते हैं आशीर्वाद से क्या होता है, कर्म करते जाओ, आपको अपना कर्म करना है। हम कहते हैं कौन कहता है कि आशीर्वाद का फल नहीं मिलता, कौन कहता है कि आशीर्वाद का फल नहीं मिलता, एक बार दिल से देखो तो देखो।
आज हम आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री के एल बड़ू जी से। वे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता के रूप में हमें आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। माननीय ब्लड के सेक्रेटरी और अन्य कार्यकर्ता, इसमें कि खास करके मैं शर्माली को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो जो है मंडल के लिए काफी कुछ करते रहते हैं और अक्सर सबके पीछे लग करके कुछ न कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। सबसे प्रथम मैं जो है गढ़वाल महात्म मंडल के लोगों के और जितने भी यहाँ पे उत्तरांचल वासी हैं, उसी दिन से एक सपना था वो साकार हुआ और अभी जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है, उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उसको निभाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। कुछ दिन पहले जब शर्मा जी ने और भारत जी ने बात मेरे से कही थी तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि इस कार्य को करने के लिए एक या दो आदमियों की सहायता या सहयोग से हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको सब लोगों का आशीर्वाद और सहयोग, उसके साथ में जो उनके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जिन्होंने की उन्होंने जो है इस फील्ड में बहुत कुछ काम किया है, जिन लोगों ने, उनका जो है सरकार मिलना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग जो है कुछ करके सरकार के सामने दे सकेंगे वाकई में हमको आगे क्या करना है। तो मैं जो है समस्त उत्तरांचल वासियों का, गढ़वाल भ्रातृ मंडल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस संगोष्ठी का आयोजन किया और हमको यहाँ पे बुलाया ताकि हम लोग आपस में बैठ करके कुछ सुझाव दे सकें। और मैं आप सब लोगों का पुनः एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुला करके दो शब्द बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। इसके बाद जलपान होगा। जलपान के बाद हमने दो सत्र रखे हैं, एक है चिंतन सत्र जिसमें जो वक्ता हैं उन्होंने जो नाम दिए हैं विषय उनके निश्चित हैं, वे आकर अपना विषय रखेंगे, अपने विचार रखेंगे और जब वे अपने चिंतन कर रहे होंगे, अपना विचार रखेंगे, हमारे मन में भी मंथन हो रहा होगा, हम भी चाहते होंगे कि इनसे कुछ पूछें, कुछ शंकाएँ होंगी उनका हम समाधान चाहते होंगे या कुछ हमारे सुझाव होंगे जिनका हम जो है यहाँ प्रस्तुत करना चाहते होंगे, उसके लिए फिर हमने दूसरा सत्र और रखा है, उसका नाम है चर्चा सत्र या उसे आप कह सकते हैं मंथन सत्र। वो दोपहर में भोजन के बाद होगा और चर्चा सत्र के बाद हम जो है फिर एक जलपान के बाद एकत्रित होंगे। वो होगा संस्तुतियाँ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे विशेष ने बताया कि हमारे संगोष्ठी का लक्ष्य है कि हम इसकी जो संस्तुतियाँ हैं इन सत्र को उत्तरांचल की जो नई सरकार होगी, पहली सरकार होगी, उस सरकार तक पहुँचाएँ और उनको बताएँ कि हमारी क्या अपेक्षाएँ हैं और कार्य तो उनको ही करना है लेकिन हम जो है हमारे जो मन में इच्छाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, उनको हम पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो इसमें संस्तुतियां में जो है उसमें भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं और उसके बाद फिर जो है कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जब ये संगोष्ठी की बात चल रही थी कि हम ऐसा एक आयोजन करेंगे तो कई हमारे कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने कहा कि इसको करने से लाभ क्या करना चाहते हैं, जो हमारे उत्तरांचल राज्य जो बनने वाला है शायद एक महीने बाद ही 1 नवंबर को उसका गठन हो जाएगा, उसके लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, खासकर मुजफ्फरनगर का कांड हो या किसी भी ढंग से किया हो, एक बार हमारी इच्छा है कि हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दें। इसके लिए हम धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अभी 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। बाबा जी
अपना धन्यवाद प्रस्ताव दें। एक सुखद सहयोग हमारे सामने है, आजकल नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, नई सहस्राब्दी भी चल रही है और ऐसी समय में हम लोग जो है एक नए राज्य के गठन के लिए यहाँ चिंतन कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने ऐसी कल्पना की है आज हम देखने गर्वा भाषण के लिए हमारे नए राज्य के लिए एक मंगल संदेश देने वाला है, मैं श्री गिरीश बाबू से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन। कुणाल जी ने काफी कुछ कह दिया है, जो है असली क्रीम हमारे सामने आने वाला है। काफी नाम हमारे पास आए हैं और मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता, मैं सिर्फ उद्घाटन करता ही नहीं कहूंगा, बल्कि अगर मैं कहूँ कि हड़ताल करता तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हम सिर्फ चलते रहे लेकिन भत्ता इन्होंने दिया है हर तरह से, तो मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ श्री के.आर. भदौरी जी को, जिन्होंने कि ये मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि यहाँ हमारे पास वक्ता काफी आए हैं। मैं सबको अग्रिम रूप से धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि जो भी वो कहेंगे वो हमारे लिए सार्थक होगा और उसके बल पर हम शायद कुछ नए राज्य के संचालन में अपना सहयोग प्रदान कर पाएंगे। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ और कार्यक्रम में विक्षेप न करते हुए एक बार और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। टाइमिंग बहुत है, वाहन चलपान एकत्रित होंगे और ठीक आधे घंटे बाद यानी 11:10 पर हम चिंतन सत्र प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। उसके लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं। उसके लिए हमने व्यवस्था ये बनाई है कि एक वक्ता को अधिकतम 15 मिनट दिए जाएंगे ताकि सभी वक्ताओं का उसमें जो है क्रम से जो है स्थान आ सके, और उसके बाद जो है अगर कुछ वक्ता छूट गए रह गए तो चर्चा सत्र में फिर उन्हें मौका दिया जा सकेगा। जब यहाँ चिंतन सत्र चल रहा होगा उस समय हम लोग भी चिंतन कर रहे होंगे,
हम भी मनन कर रहे होंगे, हमारे मन में जैसे मैंने पहले कहा कई शंकाएं होंगी, सुझाव होंगे या हम कुछ जो है अपनी बात रखना चाहते होंगे, उसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने नाम जो है माननीय अध्यक्ष जी को या अपने कार्यकर्ता हैं उनको एक कागज पर लिख के दे दें ताकि आपका भी नाम जो है कर्म से पुकार कर आपको भी मंच पर बुलाने की व्यवस्था की जा सके। धन्यवाद, कृपा करेंगे हमारे आदि पहाड़ों के रहने वाले हैं। हम अपने गांव, अपनी मिट्टी को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन पूरे उत्तरांचल का परिदृश्य क्या है, वहाँ का वहाँ की खेती, कृषि, भौगोलिक परिस्थिति, वातावरण, इन सब चीजों पर हम जो है एक ध्यान अपना आकर्षित करना चाहते हैं। इसके लिए हमने विशेष रूप से अपने माननीय अतिथि के रूप में जो है यहाँ पर दो प्रोफेसर लोगों को बुलाए हैं, डॉक्टर हैदर ए करार जी और प्रोफेसर एम सलीम जी। यहाँ पुरानी कॉलेज में आप प्राध्यापक हैं ज्योग्राफी के। डॉक्टर हैदर ए करार जी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में वहाँ के एक प्रोफेसर के अंडर में पुरानी कॉलेज में पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी और ये मेरे साथी हैं डॉक्टर हैदर ए करार साहब। विषय चल रहा था कि रिसर्च कौन सा रीजन चुना जाए, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान पर नजर डाली, काफी डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम लोग उत्तरांचल पे पहुंच गए। उसके बाद ये डिस्कशन हुआ कि उत्तरांचल को पूरा दिया जाए रिसर्च के लिए या गढ़वाल रीजन दिया जाए या कुमाऊं रीजन दिया जाए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना पूरे उत्तरांचल का हम लोग रिसर्च के लिए टॉपिक लिया जाए। हालांकि वो बहुत बड़ा था, बाद में ये भी प्रॉब्लम थी कि वहाँ फील्ड स्टडीज कैसे होगा। वहाँ के लोगों ने पूरा हमको कोऑपरेशन दिया और उसके बाद उन्होंने अपना उत्तरांचल। एक्चुअली इन माई स्टडी वॉट आई हैव डन दैट आई हैव टेकन द कंपैरेटिव स्टडी एट ब्लॉक लेवल। आई हैव सिलेक्टेड 89 ब्लॉक्स एंड आई हैव मेड द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तरांचल। हमने जो किया था 89 ब्लॉक्स का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंपैरेटिव स्टडी करके वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट दैट विच ब्लॉक्स आर सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड forward or in which category they are, and you will get a very surprise in that I have not included the Haridwar district because there was little bit dispute and I have taken this 12 district study at block level. You can see that 89 blocks are there having different area, size as well as shape. This side already you are knowing that the booklet which you are having that is very informative development data. दूसरा डेवलपमेंट जो आपको दिखाई देगा उत्तरांचल में ये एरिया, ये जो ब्लॉक्स हैं आपके मुंशियारी धारचूला आपका जो ये पूरा ब्लॉक है ये दिखाई देगा। इसकी वजह क्या है कि हर ब्लॉक की कि कौन सा ब्लॉक किस चीज के लिए सुटेबल है। आपको नैनीताल वगैरह में कुछ दिखाई देंगे, आई हैव टेकन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी आप जो लोग धारचूला के होंगे यहाँ पे मोस्टली उत्तराखंड के अंदर राजी negligible in number, 5-7 thousand Bhotias are the top. And because of the education among the Bhotias, they have shifted their profession from this industry to service. बहुत सारे लोग यहाँ से migrate होकर के service. इसलिए आपको दिखाई देगा कि ये जो block है still they are developed because of government facility. बाकी कोई चीज नहीं आती, सिर्फ government ने have given the special assistance with various development programs. इसलिए यहाँ पर दोबारा आपको जो डिफ्राइड है ब्लॉक्स इन बीच वाले, अभी क्या है कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव एम्फेसिस ऑफ द सेंट्रल ब्लॉक्स, जैसे आपका उत्तराखंड एरिया को लोगों ने नेग्लेक्ट किया था, प्लेन की लोगों ने, राइट, सो दैट दे हैव डिमांडेड फॉर सेपरेट स्टेट्स। अभी सिचुएशन क्या आ रही है कि अगर ये दोनों फॉरवर्ड रहे और जो बीच का ब्लॉक है अगर इसको बैलेंस डेवलपमेंट नहीं हुआ तो यहां पे दोबारा प्रॉब्लम आ सकती है।
भजन मेरी अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ कि इस ब्लॉक के अंदर आई हैव विजिटेड ऑल द ब्लॉक्स एंड आई हैव टेकन द इंटरव्यू ऑफ द पीपल. अगर ये सिस्टम नहीं इंप्रूवमेंट हुआ, ये जो सेंट्रल ब्लॉक है ये पूरा आपका, तो ये दोबारा उत्तराखंड के लिए प्रॉब्लम. तो व्हाट इज द नीड दैट वी मस्ट हैव बैलेंस डेवलपमेंट. जहां पे डेवलपमेंट कम हुआ है वहां पे ज्यादा एम्फेसिस दी जाए, और जहां पे ज्यादा हुआ वहां पे थोड़ा कम दिया जाए. इश्यू वगैरह सब आपको इस एरिया में दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं. गवर्नमेंट ने असिस्टेंट दिया, ये ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं इस एरिया में दिखा पढ़ने को. दोबारा आपको ये जो ड्रॉबैक मिलेगा, ये सेंट्रल ब्लॉक जितने हैं ये बहुत ही, अब देखिए चक्राता, चक्राता तहसील जो है इसमें कांसी ब्लॉक भी आता है, इसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया एसटी स्टेट एसटी. अभी एक और प्रॉब्लम उत्तराखंड में आएगी मेरे हिसाब से कि उन्होंने एसटी कर दिया, तो आई मेट वन जोशी पर्सन, जोशी ये थाना पड़ता है आपका चक्राता से थोड़ा 4-5 किलोमीटर दूर, चक्राता में जनसारी टॉयज दे आर स्टिल बैकवर्ड. वाई? क्योंकि वो जो लोग थे उनकी जगह पे दूसरे लोग चले. तो उत्तरांचल के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जिसमें ट्राइब्स ज्यादा है उत्तरांचल में, एंड यू हैव टू स्टडी दैट विच ट्राइब्स किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, कितने लोगों ने फायदा लिया है, कितने लोगों ने क्या किया, उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करनी है. अभी क्या था, हिली और प्लेन एरिया का मसला था मेरे हिसाब. अभी एक मसला ऐसा उत्तरांचल में नहीं आना चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. अगर ये आ गया तो उत्तरांचल के लिए काफी मुश्किल होगा, इसलिए कि वहां पे ट्राइब्स ज्यादा ज्यादा मिले. जितने आपको ब्लॉक मिलेंगे बीच वाले, ये पूरा एरिया उत्तराखंड का पूरा एरिया इतना है, ये सामाजिक आर्थिक विकास से पूरा में क्या है, जो पिछड़े लोग हैं सामाजिक आर्थिक से. क्योंकि होता क्या है कि इफ आई एम इन बॉम्बे, अगर मैं बॉम्बे में हूँ और मेरे पास गांव का कोई आदमी आ गया, आई डोंट वांट टू गो बैक टू द विलेज. आदमी की टेंडेंसी क्या होती है, बड़ी अच्छी बात है कि हम बम्बई में रह करके उत्तरांचल के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन जनरली होता क्या है कि दोज पीपल हु आर द टॉप पोजिशन, दे डोंट वॉन्ट टू शो देमसेल्फ्स कि मैं वहां का रहने वाला. जिसमें कि मतलब वी हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एट ब्लॉक लेवल दैट हाउ वी कैन मेक ए ब्लॉक सक्सेसफुल, मतलब कि सेंटर से कहां पे डेवलपमेंट हो सकता. बहरहाल यहाँ जो चर्चा हो रही है, हमारा उत्तरांचल जो है बिल्कुल बन चुका है स्टेट. अब हमें उसके बारे में ये सोचना है कि अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं यूज करने के बाद, चाहे जन्म हो चुका है बिल्कुल छोटा शिशु जैसा हमारा उत्तरांचल है, इस समय में हमको बहुत ही उसकी केयर करने की ज़रूरत है उस हिसाब से. उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होता है लड़खड़ाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम अपने रिसोर्सेज को खुद डेवलप कर सकें, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खुद पैदा कर सकें, पोटेंशियलिटी है उत्तरांचल में. बात है अपने पैरों पर खड़े होने की. जहाँ तक मेरा एनालिसिस है उत्तराखंड के लिए, उसके अंदर ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, जब वहाँ और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और हमको जो है जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट और नेशनल टूरिस्ट दोनों वहाँ आएंगे, जिससे वहाँ की आर्थिक स्थिति जो है बहुत मजबूत होगी. तो मेरा जो एम्फेसिस है वो इस बात पे है, उत्तराखंड पूरे उत्तरांचल रीजन को पूरा ही टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत पोटेंशियल है. इसके साथ साथ हम ज़्यादा समय नहीं चाहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया. इस इलाके में तो आपको हमने फिर देख के ऐसे ट्राइबल पीपल जो थारू और बुक्सा है, आप मालूम होगा थारू बुक्सा,
वहां पे क्या है कि जो सबसे बड़ी चीज हमने देखा, अगर बाहर का आदमी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो हमारी समझ में आता है, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन अपना आदमी करे तो सबसे बड़ी दुख की बात है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एक पटवारी से हमारी मुलाकात हुई, वो भी ट्राइब था, पटवारी और जो आपका उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ट्राइब्स है और गैर ट्राइब्स में क्या फर्क है? मोस्टली सिक्स आर देयर आउटसाइडर्स, करते क्या है वो लोग, जो बुक्साद है, थारू है, वो दारू वगैरह पीते हैं, लिटरेसी वगैरह बहुत कम। उसमें जो फार्म हाउस था, उसने जो सबसे बिल का जो हमारा है, एक्चुअली आई एम हैविंग बुक विथ मी, बुक हमारी है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन की और पैदा की जा सकती है, चकराता में, गौरी में, नायगांव में, जितने भी आपके हैं, हर ब्लॉक की जो फिजियोग्राफी है, उसमें जो क्लाइमेट है, ये जितने भी आपको चीजें नजर आएगी, स्लोप है, एक दूसरे से फर्क है। और जब तक आप ब्लॉक लेवल की, माइक्रो लेवल की स्टडी किस एरिया के अंदर नहीं होगी, उत्तरांचल का डेवलप पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी चीज आप ये नहीं कर सकते हैं कि द थिंग विच इज सुटेबल फॉर गोरी विल बी सुटेबल फॉर धारचूला। तो ये जब तक कमेटी होकर के हर एंगल से उसकी स्टडी नहीं होगी कि टी प्लांटेशन कहाँ हो सकता है, हॉर्टिकल्चर कहाँ हो सकता है, फॉरेस्ट्री कहाँ हो सकती है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे सुटेबल है, कहाँ पे स्कूल वगैरह कम है, किस गांव के अंदर लिटरेसी कम है, लोकल पीपल सपोर्ट एट ब्लॉक लेवल, उत्तरांचल का डेवलपमेंट काफी मुश्किल पड़ेगा। लोगों का कॉन्फिडेंस वहां पे लेना, दूसरी चीज ब्लॉक लेवल पे स्टडी करके कि कैसे एग्रीकल्चर का नेट सोने या सेंटिमेंटल अटैचमेंट विद उत्तरांचल, अगर ऐसे लोगों की टीम मिल गई तो हमारे पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, सिर्फ उसको डेवलप करने की जरूरत है। आई एम श्योर दैट आई डोंट बिलोंग टू उत्तरांचल एरिया, आई बिलोंग टू दिस प्लेन एरिया बस्ती डिस्ट्रिक्ट, बट द उत्तरांचल विच आई हैव विजिटेड, आई हैव सीन, आई एम श्योर दैट इंडो जर्मन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अल्मोड़ा, I think that has substantially highlighted the problem of the especially of horticulture and animal husbandry. Have you come across of such an agency in this area? No, it is a non-government organization. In comparison to other parts of the country, they are negligible. Right? One thing, all the institutions, educational institutions, I am saying that Bombay, you take the example, 90%, 99% educational institutions belong to individual management people, right? On the contrary, in Uttarakhand, Uttaranchal area, hardly you will get an institute, educational institute, which belongs to the management. It's not, I'm not saying about the Nainital, Dehradun, where people are earning for money. I'm talking about the interior part of the country. Actually, I met one this NGO person, that Joshi Sahib was there. He is having his own school. Local participation वहाँ पे नहीं होगा. At block level, जब तक लोग confidence में नहीं आएंगे, किसी के करने से कुछ होने वाला नहीं. This NGOs. Servant of Indian society. Well, he wanted to know the government agency. What sort of development? Government agencies. Government. You want the government. He is saying government agencies are the institutions that belong to government. So he wanted to know that how many such institutions are there. He specifies agencies. Suppose you say agriculture. You see, you are talking about, next we are having industrial promotion and seminar. Everything we are having, the tribal development programs are there, special programs. And I have written this, so many programs are there in the books. They are working for the development of block level. But one thing remember, that government has not emphasized for the development of each and every block of Uttarakhand. Block mein hai, us block mein rahega. Uski wajah kya hai? Ki this development programs are made only for the development of tribal people, development of agriculture. जहां भी ट्राइब्स ज्यादा तादाद में हैं, वहां पे डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके नेचुरली आई हैव टेकन दिस। बोडिया जनजाति सेवा समिति, दे आर हैविंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लगभग 300 राणा थारू कृषक कल्याण समिति दैट इज इन उधम सिंह नगर, राणा थारू विकास
कमेटी इन उधम सिंह नगर, इंदिरा राष्ट्रीय चेतना समूहोत्थान संस्थान देहरादून, नेक्स्ट इज बोडियाज प्राइमरी पाठशाला पिथौरागढ़, उत्तराखंड शोषित महिला उत्थान कमेटी दैट इज इन समता इन चक्राता, समता इन चक्राता देहरादून। दीज आर दी अबाउट एट एन जी ओज विच आर वर्किंग फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। लेकिन एक चीज का है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम उत्तरांचल में ऐसी नहीं है कि डेवलपमेंट के लिए हर ब्लॉक के लिए बराबर हो। उत्तरांचल एक मैंने पहला एरिया देखा है ऐसी सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलता। आई हैव जस्ट टेकन ओनली फॉर दिस सर्टेन इंडिकेटर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इफ यू आर कंसंट्रेटेड दैट विल बी द अदर टॉपिक, द रोल ऑफ एनजीओ इन द डेवलपमेंट ऑफ उत्तरांचल एरिया। एंड फॉर दैट आई हैव सेलेक्टेड अबाउट 43 इंडिकेटर्स, 43 इंडिकेटर्स हमने लिया था कि इसमें से अगर 43 को कंबाइन किया जाए तो कौन सा ब्लॉक आगे रहेगा या हो गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एनजीओ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर ब्लॉक और उत्तरांचल आर में पर्टिकुलर रीजन। इन 1992 जो उत्तरांचल में रहेगा एरिया में अगर वो बीमार हो गया तो उसके जाने के लिए चक्राता आने के लिए जो हॉस्पिटल है उसको कितनी मुसीबत उठानी पड़ेगी। अगर वो आदमी डिओटेड ना होता तो पढ़ लिख करके वहां रहता है। जो मैंने बताया आपको कि जो भोटियाज वगैरह जो बाकी लोग पढ़े लिखे हैं वो पलट करके वहां पे नहीं देखते हैं विकास। सर सरिंग जी को धन्यवाद देता हूँ। हम तो देवभूमि के रहने वासियों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हमारे पंतनगर हमारे लिए बनाया है और वहाँ हमारे केवल अभी तक 2.5% विद्यार्थी उत्तरांचल के वहाँ शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, बाकी सब मैदानी क्षेत्रों के हैं। हम लोग कितने जागरूक हैं हमें बिल्कुल सोचना होगा। धन्यवाद महोदय। अब मैं डॉक्टर जे सी पनोठे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप पर्यावरण विभाग WWF में सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और आप उत्तरांचल का विकास मेरी संकल्पना विषय पर अपने विचार रखेंगे। सभी उपस्थित उत्तरांचल वासियों का मैं अभिनंदन करता हूँ और मेरा आप सबको प्रणाम। जहाँ तक मेरा ये विषय का सवाल है, मेरी कल्पना उत्तरांचल का विकास, ये मेरे अपने अनुभवों पर आप कह सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं बाहर से हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ थ्रोन आउट ऑफ आवर प्लेस। इट इज नॉट बाय चॉइस, इट इज बाय सम सॉर्ट ऑफ कंपल्शन। अभी जैसे लोग कहते हैं कुछ नॉट मेनी एजुकेटेड पीपल आर देयर और देयर डोंट फील कंफर्टेबल देयर। आई डोंट थिंक दैट इज द ट्रू केस। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर वेरी कंफर्टेबल देयर, दे फील प्राउड इन working there, but unfortunate party, once someone is out of his place, then it becomes very difficult for him to go back. Jabki roots are there. Dil se sabhi log abhi aaj kyun jude hue hain? Agar gaur se soche to kahin kahin bas ekdam hota hai kya mera pahad, mera ghar. Ab maine jo mera jo hai ye to shuruaat hi hua, shayad mujhe kitna samay hoga kuch pata nahi. Just a brief man. मैंने जो मेरे हिसाब से जो प्रेजेंट स्टेटस है क्या है, क्या परेशानियां आएंगी, क्या उसको एक स्टेट जैसे आइडियल स्टेट चलाने के लिए क्या स्थिति बनेगी, थोड़ा विजुलाइज किया तो कहीं कहीं मुझे डर लगता है कभी कहीं ऐसा ना हो जाए गोवा का जैसा हाल ना हो जाए। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू गोवा स्टेट, 6 महीने में 7 गवर्नमेंट न बदले, आज पूरा कल इधर है कल उधर है, हरियाणा जैसा ना हो जाए, क्योंकि छोटे स्टेट्स की अपनी प्रॉब्लम भी होती है। एंड वी ऑल नो हाउ गुड अवर पॉलिटिशियंस आर, वेदर इट इज कुमाऊं और गढ़वाल और उत्तराखंड। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू पॉलिटिशियंस, गांव से गांव में भाषा बदलती है। नॉर्मली का आदमी
मुंशहरी जाता है, मुश्किल से 22 किलोमीटर है, वो नहीं समझ पाता है। धारचूला का आदमी मुंशहरी नहीं समझ पाता है, जबकि बोटियाँ बोटियाँ ही हैं। पिथाड़ का आदमी अल्मोड़ा पनार चले जाता है, नहीं समझ पाता है। कर्णप्रिया का आदमी रुद्रपुर, इस टाइप की बातें भी आने वाली हैं। फिर सोचो इकोनॉमिक, सोचो इकोलॉजिकल फैक्टर, पुरुष प्रधान टाइप का हमारा पहले समाज रहा, फिर वो धीरे धीरे नारी प्रधान हुआ मजबूरी में, क्योंकि औरतों ने घर बार सब संभालना पड़ा। और आजकल एक नया ही टाइप का वो ट्रेंड उभर रहा है, अभी दोनों प्रधान तो गायब हो गए हैं, युवा प्रधान जैसा हो गया। मतलब मेरा अपना ये बेचारे उससे इतना बुरा हाल हो गया है, जो मैं देख रहा हूँ हर साल दो साल में मैं जाता हूँ तो दुख होता है कभी कभी कि साहब बाल रिटायर हो रहा है। एक मैंने खुद देखा किस्सा, तो उसके कलीग्स वगैरह ने कहा कि ओके तुम अपनी वो जो गवर्नमेंट में रहता है पेंशन वगैरह क्या कम्यूटिंग वगैरह जो रहती है वो 10-15 साल के एक साथ दे दें एडवांस। ही केम थ्राइस टू दैट ऑफिस कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर दूसरे आता था ठीक है कम्यूट कर, फिर बोलता है नहीं करना। क्यों? सुन के आपको ताजुब होगा, घर में तो दो बेरोजगार जवान लड़के हैं, बहुत है डेवलप बैड हैबिट, ही वॉज नॉट वेरी श्योर कि ये जो मैं जो पैसा मिलेगा प्रधान का था, एक साथ 10-12 लाख रुपया मिल गया, कितना दिन चलेगा। तो इस टाइप के अभी वो युवा प्रधान, और दूसरा हमारी पॉलिटिक्स ने गवर्नमेंट की फंडिंग वगैरह ने उनको इसमें से थोड़ा एक टाइप से अकर्मी जैसा बना दिया है। बहुत यंग एज में हमारे पिताजी जबरदस्ती कह रहे हैं कि डेविड एक्शन का डिप्लोमा करा दो, कहीं म्यूनसिपलिटी में बीएमसी वगैरह में थोड़ा अप्रोच है, कहीं फूड इंस्पेक्टर ये बन जाए। I saw that boy has got some sort of very, very fertile brain. और हर समय कुछ न कुछ हो और गुड अर्थमेंट कर दिए। उस समय NIIT नया नया खुला था, 87-88 की बात है, इंटरमीडिएट को ही ले लेते थे, कुल 16,000 रुपये कुछ फीस। वो बोला मेरे को कंप्यूटर सीखना है। Can you believe he did his BSc afterwards? And today that boy is India's one of the leading software manufacturer for shipping industry. This BSc. अगर वही उसी हालत में रह जाता, वो एक मोटरसाइकिल है वहां किसको किसी चीज में है। ठीक है, ये भली बुरी बातें तो जो हुई हुई, फिर भी राज्य हमको मिला है, अभी चलाना है, चलाना चाहिए। प्रॉब्लम एरिया मैंने बताया, बेरोजगारी बहुत खराब है, अनएक्सेसिबिलिटी टू ईच अदर। अगर 17-18 किलोमीटर दूर में मेरा रिश्तेदार रहता है और मुझे कुछ माना, सपोज वहां पर कुछ एक से मिसकैरियज हो जाता है किसी मेरे रिलेशन में, उसको बताना है, इंफॉर्मेशन देना है, तो मैं कर देता हूं। और 100 का जो बहुत खराब चला गया है कि वी शुड ट्राई टू एक्सप्लॉइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक आउट दिस वर्ड, वी शुड ट्राई टू मेक ऑप्टिमम और सस्टेनेबल यूज ऑफ दिस थिंग। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर के साथ काम करता हूँ या पर्यावरणीय संस्था से काम करता हूँ, वी कैन डू इट, ये हो सकता है। मैं अभी बताऊंगा आपको दो तीन उसको उदाहरण, एक उदाहरण देता ही हूँ। बैशिंग देखा होगा सब लोगों के गांव घरों में, बैशिंग होता है, बैशिंग की आड़ लेके सारे टच्ची पेशाब करते हैं, वो साहब बैशिंग जो भी बोलते हैं। साहब अकेले महाराष्ट्र और गुजरात में उसके ऊपर 17,000 इंडस्ट्रीज हैं रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, और सबसे बेस्ट कफ सिरप है इस समय। कैसे भी सर्दी जुकाम हो रही हो आप ट्राई कर लीजिएगा, 60% लोगों में अगर सक्सेस नहीं होगा तो मैं करिए मैं अपनी गलती मानता हूँ। और 100 रसम के हिसाब से 4 आना मन या 4 रुपया क्विंटल की रॉयल्टी में सब बेचते। आज पेड़ के पेड़ पूरे ओक फॉरेस्ट मंच वगैरह के गोरखनाथ के सब खाली हो गए एक से। तो वी आर बाउंटीफुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पानी मैं जब जाता था ऋण बिछुल करके एक नदी है बिहार के 10-12 किलोमीटर में छोटा सा स्प्रिंग, बेस्ट इस पॉपुलेशन यूज टू बी देयर, सबसे अच्छा। एक जाल में 18-20 मछलियां आती थी, यूं बड़े अचेले था फल में, मैंने खुद देख रखे हैं 20-20 किलो के माशे पंचेश्वर। आज ये पोजिशन है सब गायब हो, पॉलिटिशियन जो मैं पावर ब्रोकर गए अपनी पावर खाली दिखाने कोई बड़े ऐसे कह रहे, मगर बीच बीच में क्या हुआ जो एक्सप्लॉइटेशन सबके वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको
I tell you one thing very frankly, no person has sympathy with us, especially our plains people. मुलायम सिंह जी ने वो ट्रेन शुरू किया और अभी तक वो चलते रहा है और किसी को भी नहीं, एवरीबॉडी विल बी वेरी हैप्पी कि उत्तरांचल इज अ फ्लॉप प्लेस। एग्जाम्पल देखिए बच्चों का कितना करियर, एक साल तक टीचर नहीं थे एक जमाने में, 79-80 के आसपास जब वो मंडल वंडल हुआ था, बड़े अच्छे रूम का वो हुआ था। खैर आई वॉन्ट गो इन टू दैट डिटेल। अभी इस स्कोप में जो मैं बता रहा था, ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मेरे ख्याल से इतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कहीं नहीं होगा, मैं अभी भी दावे के साथ करता हूँ, जितना हमारे पहाड़ों में होगा या 7-8 जिलों में जितना अच्छा होगा। पीपल एज आई टोल्ड अर्लियर, देयर ब्रेन्स आर टोटली अनपॉल्यूटेड, दे आर वेरी सिंपल। शुरू में जरा बोल देंगे, थोड़ा बहुत जरा इलॉजिकल लॉजिक प्रेजेंट कर देंगे, बट वंस दे आर कमिंग दे आर वेरी गुड। यू एक्सपेक्ट पीपल टू गो फॉर साइट सीइंग, हनीमूनिंग, दिस दैट एटसेट्रा, बट do we have infrastructure? Is work out properly? And those small dams, etc. Or we are lucky to have three kind of rains throughout the year. Or the three monsoon of them, three season of them. So, pura agar hamare ground water surface ho gaya charge hote rahenge, to nothing like that. Jaise Khorasani Borera wagera ki valley hai, ya Sera Ghat wagera ki valley hai, ya Tehri wagera hai, isi ढंग का हो सकता है। बस यही इसके साथ ही उत्तराखंड में भूक्षरण और भूस्खलन के बारे में भी सोचना होगा। हमें हिमाचल प्रदेश के तर्ज में पेड़ लगाओ रोटी कमाओ का नारा शुरू करना होगा और हिमाचल प्रदेश में जैसे विकास हुआ, जो स्थिति वहां की थी, जिस ढंग से आज वो एक बहुत अच्छा राज्य बना, उसी तर्ज पर हमें इसका विकास करना होगा। उत्तराखंड के पास अथाह वन संपदा, जल संपदा व जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियों का संरक्षण, उनकी खेती, साग सब्जियों तथा फल फूलों का विस्तार, ऊर्जा उत्पादन, पानी तथा सिंचाई व लघु विद्युत योजनाओं व पर्यटन विकास की ओर विशेष ध्यान देना होगा। उत्तराखंड में लघु उद्योग धंधों के विकास की अनंत संभावना है, क्योंकि हमारे पास 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, समृद्ध वन क्षेत्र हैं, अमूल्य जड़ी बूटियों का भंडार व खनिज संपदा है। अगर उसका योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाए, संचालन किया जाए, तो विकास की गति और भी तेज हो सकती है। जैसे कि आपको बिजली दी है, उत्तरांचल देवभूमि है, यह धार्मिक आस्था के प्राचीन केंद्र है, हमारी सांस्कृतिक और अस्मिता का प्रतीक है, साथ ही सुरभ्य पर्यटन स्थल इत्यादि है। इसके लिए हमारे पास धार्मिक और साहसिक पर्यटन और अच्छे ढंग से इसका विकास हो सकता है। इसके लिए औली जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य स्थलों को चुना जाए, क्योंकि हमारे पास सुरभ्य पहाड़ियां हैं, बहुत ही सुंदर ऐसे स्थान है, उनको औली तो है ही, फूलों की घाटी है, और अन्य स्थानों का चयन किया जाए, जिससे जो है यहाँ जो पर्यटन को बढ़ावा मिले। साथ ही जो सुरभ्य स्तर व आधुनिक उनका विकास किया जाए, सड़कों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योगों में कागज, दवाई, फल फूलों का रस, फर्नीचर, कीमती तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सूती और रेशमी कपड़े, भवन निर्माण सामग्री, लीसा उद्योग, लकड़ी उद्योग, मेवे, सुगंधित तेल, मशरूम, मसाले, चारा उद्योग, मछली, मुर्गी पालन, फूलों और जड़ी बूटियों की खेती, लकड़ी के खिलौने, मूर्तिकला आदि अनेक लघु कुटीर उद्योगों को विकसित किया जाए। उत्तराखंड के तीर्थ स्थान जो हमारे धाम है, यहाँ बहुत सारी प्राकृतिक संपदा है, सूर्य स्थल है, हरे भरे वन है, फैले बुग्याल हैं, वनस्पति की विविधता है, पवित्र नदियां हैं, हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियां हैं, ग्लेशियर हैं, वन्य जीव हैं, ये जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में साथ साथ जो हमें जो उद्योग है और जो हमारे जो अन्य जो फलोद्योग है, फलों के विकास में सेब, नाशपाती, आलूचा, अखरोट के बागान, ये भी जो है उत्तराखंड में किसी का आप बाहर में जाइए तो ये जो है हमारे गर्मियों के मौसम में किसी भी सीजन में आपको मिलेंगे। तो इनको वन क्षेत्रों में विशेषकर जो देवदार हमारे पास हैं, राई, मुरंडा, सुरई, कैल और चीड़ के वृक्ष, ये जो है बहुत ही अपनी सुंदरता से गठित ऊंचाई से यात्री की थकान दूर कर देते हैं। तो हमें जो है इनका भी विकास करना, इनको ढूंढना पड़ेगा। वो स्थल जैसे अभी देख रहे हैं मसूरी के पास एक धनुल्टी जगह है, तो वहाँ बड़े अच्छे उसके पेड़ हैं, चीड़ के हैं, उसके बाद पांच गुरास के हैं, तो बड़ा ही प्राकृतिक जो सौंदर्य स्थल है, उनको हमें इसी तरह पर उनको ढूंढना पड़ता है। जैसे वहाँ गुरास का लाल फूल दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर देता है,
हमें उत्तराखंड में चाय उत्पादन को भी बढ़ावा देना चाहिए जिससे अपनी औसत पूर्ति के बाद मुद्रा अर्जित किया जा सके। उत्तराखंड में सदाबहार नदियां बहती हैं। उत्तराखंड की नदियों एवं जल स्रोतों पर उपलब्ध जल प्रपातों पर छोटी छोटी जल विद्युत योजनाओं का निर्माण किया जाए। विद्युत निर्माण आसानी से किया जाए तो बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे पास जैसे टेहरी डैम योजना है और श्रीनगर की योजना मनेरी भाली परियोजना है और भी योजनाएं हैं जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें ये योजनाएं शुरू की जाए जिससे विद्युत का उत्पादन किया जा सके। उत्तराखंड जैली ठंडे पेय व अन्य फूड जैसे फूड प्रोसेसिंग कारखाने लगाए जाए, फूड प्रोसेसिंग कारखाने उत्तराखंड में लगाए जाए और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बेरोजगारों को ब्याज रहित ऋण दिया जाए जिससे विभिन्न उत्पादों के लिए जो मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। फल हमारे पास बहुत हैं, अभी हमारे जैसे उधर चमोली में है माल्टा वहाँ काफी मात्रा में पाया जाता है लेकिन वो उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती। ये शुरू किया है कुछ रस और कुछ जूस बनाना शुरू किया है लेकिन उनको अगर मार्केटिंग से एजेंसी की जाए तो वो जो है वो हमारे एक अतिरिक्त आय के जो साधन होंगे। उत्तराखंड में पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया जाए। पर्यटन जो है महत्वपूर्ण हमारे पास साधन है जिससे उत्तराखंड का समग्र विकास हो सकता है तो एक अलग से उद्योग का दर्जा दिया जाए। इसके लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेवल एजेंसियां खोली जाएं, टूरिस्ट गाइडों को नए ढंग से प्रशिक्षित किया जाए, साथ ही नए स्कीइंग और राफ्टिंग के लिए समुचित साधन और स्थान चयन किया जाए। अब राफ्टिंग के लिए जैसे हमारे हरिद्वार या ऋषिकेश में है तो उसी ढंग से उत्तराखंड के नदियों में ये जो कार्यक्रम जिसमें कि हम विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। नवनिर्मित राज्य में उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनका पलायन रोका जाए, सबसे बड़ी बात है पलायन। हम लोग किस परिस्थितियों में आज हैं, प्रवासी उत्तराखंडी हैं, किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो पलायन अगर वहाँ रोजगार के साधन हो तो पलायन को रोका जा सकता है। और उसके लिए जो हमारे एनजीओ एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी, वैसे तो कई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, एस्को है, उत्तराखंड टूर संस्थान है, कई जैसा भी सर ने भी बताया है, लेकिन ये जो है एक उत्तराखंड के समग्र विकास से जुड़े हैं तो इन एनजीओ को जो है प्रोत्साहन दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि आपको पता जाता है, पता ये कहा जाता है पहाड़ का पानी और जवानी का, पहाड़ का पानी जो हमारी नदियाँ इतनी गहरी हैं कि हम उनको सिंचाई नहीं कर पाते, ऐसी वाली हमारा जो नदी जो है जो बाहर आ गया है उत्तराखंड से उनको भी रोका जाए और पानी को रोकने के लिए जल विद्युत योजनाएं शुरू की जाए और जिससे सिंचाई भी हो और बिजली का उत्पादन हो। हमारे पास जो है बौद्धिक दृष्टि से सुयोग्य व्यक्ति हैं उत्तराखंड में जो है, जो मानव संसाधन है, लोग हैं बड़े अच्छे, जो उनके बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन पहाड़ में रोजगार की जो अनुपलब्धता है वह कृषि योग्य भूमि न होने से जो है वो मानव शक्ति जो है बाहर चली जाती है, तो इसलिए हमें पलायन को रोकना है। इसके साथ जो है रोजगार परक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था उसमें परिवर्तन करना होगा, रोजगार परक पाठ्यक्रम और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। उत्तराखंड के आर्थिक विकास के लिए एक अलग औद्योगिक नीति की, औद्योगिक नीति जो है पर्यटन की नीति अलग औद्योगिक जो उद्योग किस ढंग से शुरू किए जाए वहाँ, क्योंकि वहाँ की जो प्राकृतिक स्थिति है, जो हमारे भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से उद्योग जो हम शुरू करना संभव नहीं, क्योंकि पर्यावरण की समस्या हमें देखनी है, तो इस ढंग से एक औद्योगिक नीति जो पर्यावरण और प्रदूषण को अलग उसको लेते हुए जिससे प्रदूषण न फैले, पर्यावरण हमारा खराब न हो, उस हिसाब से वहाँ उद्योग धंधे स्थापित किए जाए। उत्तराखंड में उद्योग धंधों के विकास के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए खोले जाए और आसान किस्तों में से जो बैंक से जो है उनको जो है ऋण दिया जाए और हमारे जो बाहर के लोग जैसे बंबई में कैसे कई ऐसे उद्योगपति हैं जो उत्तराखंड में जाकर अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं, तो उनको विशेष सुविधाएं दी जाए, स्थान दिया जाए और आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध किया जाए। काफी ऐसे लोग हैं जो कि वहां जाना चाहते हैं, तो इस समय अगर ऐसे लोग वहां जाएं तो वहां जो कई उद्योग धंधे स्थापित हो सकते हैं। साथ उत्तराखंड में उद्यान जो है, उद्यान इसको उद्योग के रूप में लिया जाए, उद्योग उद्यानिक का विकास किया जाए, उसमें हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम में जो है उद्यान जो है उनको औद्योगिक शिक्षा में पाठ्यक्रम में लगाया जाए, जैसे फूलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए। जिस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में पहाड़ी फल होते हैं उनके बिक्री की व्यवस्था के लिए निगम अलग से बनाया जाए, वैसे तो गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम भी कार्यरत है लेकिन वो विशेषकर टूरिज्म को महत्व देते हैं, तो ये हमारे जो स्थानीय जो उद्योग है उनको स्थापित वो करने के लिए अलग से निगम बनाया जाए। साथ साथ जो हमारे स्थानीय फल हैं उनके विक्रय की व्यवस्था के लिए निगम के साथ साथ जो फलोत्पादन के लिए विशेष प्रयास किए जाए और हिमाचल प्रदेश की तर्ज की तरह जैसे हम देखते हैं रेलवे क्षेत्र में एप्पल जूस पार्क जो है उन्होंने खोल रखे हैं, ऐसे उत्तरांचल में जो है जैसे अधिकतर जूस या माल्टा जो है माल्टा जूस पार्क खोले जा सकते हैं जिससे जो हमें काफी आमदनी और आय जो हमें आवाज हो सकती है। उत्तराखंड में खनिज संपदा के काफी भंडार हैं, इसका पता लगाया जाए जिससे उपलब्ध खनिज संसाधनों का लाभ व उपयोगिता
वो स्थानीय विकास में लगाया जाए, जैसे यहाँ स्थानीय में चूना है, पत्थर है, डोलोमाइट, ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनको सही ढंग से इसका दोहन किया जाए। अगर हम देख रहे हैं मसूरी के नीचे जो है काफी चूना होता है, लेकिन उससे जो है प्राकृतिक हमारी जो है जो इको है या पारिस्थितिक में कोई परिवर्तन है। उत्तराखंड में स्थानीय शिल्प को विकास किया जाए, क्योंकि शिल्प जो है प्राय लुप्त हो गए हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य को नए आयाम दिए जाए और इसके लिए नए विभाग खोले जाए। सात से ज्यादा से उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान है, फिल्म उद्योग का भी वहाँ विकास किया जा सकता है। और साथ साथ मुख्य बात है जिला जो हमारी कमिश्नरी है और तहसील है इनका फिर से पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि जितने जिले हैं कमिश्नरी हैं और ब्लॉक लेवल पे जो है खंड विकास के लेवल पर जो उनका उनको विकसित किया जाए। और साथ ही साथ जो है पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें सब स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है, पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए जिससे उत्तराखंड का चतुर्मुखी विकास हो सके, संपूर्ण विकास हो गए और उत्तराखंड हमारे विकास के दौड़ में आगे बढ़ सके। धन्यवाद, आपका आभार। और जवानी काम नहीं आई, लेकिन एक महीने बाद जो शिशु रूप में नया राज्य गठित होने वाला है वह जरूर जो है पहाड़ के काम आएगा और फिर से पहाड़ों को स्वर्ग बनाएगा। अब मैं निमंत्रित कर रहा हूँ श्री देवेंद्र पेंथुला जी को, जो कि मुख्य संचालक है हितैषी संस्थान में। आप जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक संस्थान है उसमें मुख्य संचालक हैं और उत्तरांचल के आर्थिक विकास पर आप अपने विचार प्रकट करेंगे। श्री देवेंद्र पेंथुला जी, आप सबका नमस्कार। एक अंग्रेजी में छोटी सी कहावत है, द मोर आई नो द मोर आई नो हाउ टू सेल। जो आपने विषय कहा थोड़ा उसमें मैं संशोधन करूंगा। आपने बताया कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं करेक्शन करूंगा, जुड़ा हुआ था हितैषी हाई टेक्नोलॉजी इंटरेक्टिव सर्विसेज इन ह्यूमन एलिमेंट्स एंड इंजीनियरिंग, एक छोटा सा संस्थान है जिसको मैं भी चला रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक विषय है जिसके बारे में जिसको भाषाओं में जिसको गढ़वाली में जवाड़ी कहते हैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अभी माफ कीजिएगा, वेरी शॉर्ट मेमोरी, लेकिन डॉक्टर पाथिया ने जब डॉक्टर कुरेटा आई के पास मैंने कुछ आपने कुछ विषय को पर कहा एंड बिल्ड अप अपॉन ऑन द इंफॉर्मेशन दैट हैज कम सो फार। एक छोटा सा पेपर है उत्तरांचल विजन 2020, A Case for Governance and Economic Transformation। ये कागज बिल्डअप करता है बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है उत्तराचल को हम बढ़ाना चाहते हैं। आपने उसके ऊपर में काफी कहा, जिस पॉइंट को मैं लेना चाहता हूँ वो ये है कि एरियाज ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ, आपने पिलग्रिमेज जो अभी चल रहा है उसके ऊपर, पिलग्रिमेज यात्रा उसके ऊपर हम लोग एडवेंचर टूरिज्म कैसे बना सकते हैं, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया इको टूरिज्म, उस इको टूरिज्म एग्रो इंडस्ट्री, यस मोबाइल यूनिट्स कैन बी प्लेस्ड देयर, दीज आर द सब्जेक्ट्स आई एम श्योर दैट अदर्स विल यूज। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर और भी बिल्डअप किया जा सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आपने बताया कि लगभग 35 से 40 हज़ार मेगावाट की क्षमता है। 1 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए किसी भी पावर के लिए लगभग $1 मिलियन की जरूरत पड़ती है। तो पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो $40,000 मिलियन लगभग $40 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को कैपिटलाइज करना है उसके लिए मैक्रो टू माइक्रो हम लोग को चलना पड़ेगा। विंड एनर्जी, हाईटेक पार्क, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी जो इस स्टेट को बनाने में है वो ये है कि हम लोग सब ई गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। ई गवर्नेंस है किस चीज की बना अभी तक, इसके ऊपर सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन आईटी पार्क अगर यहाँ डेवलप करें तो मेरे ख्याल से अच्छा ये रहेगा कि टू टेक दिस एज अ सीड इन विच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉट इन एंड ई गवर्नेंस, बिकॉज गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वहां पर प्राय कुछ नहीं है इसके ऊपर बिल्ड। किसी भी एनवायरमेंट को बनाने के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, मोटिवेशन आज और लगभग भरा हुआ है, मोटिवेशन जो हम लोग को इतवार को यहां तक लेकर के आए। ये मैक्रो शब्द था, मैं इसको माइक्रो में लेकर के आना चाहता हूँ। किसी भी चीज को करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हो जाता है एक प्लेटफॉर्म हो, एक जगह ऐसी हो जहां के साथ बिल्ड करके वी फाइंड अ कॉमन गोल। सो 5 पेज के मैक्रो को लेकर के मैंने इसको सिंथेसाइज मैं नहीं करूंगा, ओवर द पीरियड डिस्कशन हैव बीन गोइंग ऑन इट हैज बीन सिंथेसाइज इनटू अ स्मॉल 2-पेज डॉक्यूमेंट to form, it's again a pie in the sky, a thought, to build up
Uttaranchal Chamber of Commerce and Industry. The name is immaterial. It's just building up the platform, which is crucial in this case. सवाल यह आया कि उसकी रूपरेखा हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, हर चीज को चलाने के लिए ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव वन सिंगुलर एंड एम प्लूरल. इस ऑब्जेक्टिव के लिए एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल विषय लाना जरूरी है. एक थॉट प्रोसेस आया कि क्या पर्यावरण दृष्टिगत आर्थिक विकास एक ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं जा सकता है. हाँ बहुत अच्छा, नहीं लेट अस हैव बेटर सब्जेक्ट. एम्स कैन बी एनी. जो प्लेटफॉर्म की जो हम कामना कर रहे हैं, जिसको हमने सोचा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसमें इट इज नॉट मी, इट इज नॉट आई, इट इज अस. हम लोगों के धार्मिक पुस्तकों में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, कोई भी मन के लिए नहीं है. जो पौराणिक काल में चले जाते हैं या ऋग्वेद काल में चले जाते हैं, सब वयम के लिए है. तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म वयम के लिए चलेगा. उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल आएंगे. उसकी कामनाएं क्या है, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट इन ड्यू कोर्स. जिसको मैं माइक्रो, जिस लेवल पर मैं आज में बात करना चाहता हूं, वो है एसेंशियली समय, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल. इन शब्दों का मैं शायद कहीं पर इस्तेमाल करूं, नहीं भी करूंगा तो लेटेस्ट फिल्म. आज जबकि राज्य बन रहा है, एक महीना उसके लिए लगभग रह गया है, हमारे पास थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पोटेंशियल भी बहुत है, थ्रेट्स क्या है. आइए हम पहले थ्रेट्स के ऊपर बात करें. 75% शॉर्ट फॉल ओवर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंडिचर. स्टेट के पास जो अभी आय के साधन है, वो उसके व्यय की 25% भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं. थ्रेट. 60% ऑफ आईएएस ब्यूरोक्रेट्स आर नॉन वॉलंटरी. जो लोग आपके संस्थानों को चलाएंगे, उनको जबरदस्ती वहां भेजा जा रहा है. व्हाट इज दैट मोटिवेशन लेवल फ्रॉम दिस पीपल. लेट अस कम बैक टू अवर सेल्स. पॉइंट द फिंगर्स टुवर्ड्स अवर सेल्स. इट इज 22 जो आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने, जो कि उत्तरांचल स्टेट से हैं, सात ने वहां वॉलंटियर कैंप किया है जाना. अवर सेल्स, द फिंगर इज पॉइंटिंग देयर एंड थ्री टुवर्ड्स अवर सेल्स. व्हाट इज गोइंग टू बी अवर लेवल ऑफ कमिटमेंट. दीज आर द थ्रेट्स, रियल थ्रेट्स, नॉट हाइपोथेटिकल थ्रेट्स. ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स दैट वी हैव, जो वहां पर गए हैं, मेरे ख्याल से नन फ्रॉम प्रोफेशनल और मैनेजमेंट बैकग्राउंड, नन. None from technical streams. Potentials को tap करना है. जो हमारे elected members हैं, what is their caliber? I'm sure those that are better informed will correct me in this. None with knowledge on functional areas. So that demolishes the leadership that we are threatened with. The question is problems. Excellent. What are the solutions? So we have to create the platform where we build up solutions for the problems. Very easy to be Cassandra's, to talk about क्या नहीं हो सकता है करने के लिए. That is something which we will need to build upon from this onwards. From what we hear, this lack of strategy overview. Doctor साहब ने बताया कि strategy block level पर तैयार करनी पड़ेगी. At this moment, sufficient information is not available whether that strategic overview has been taken and what are the built up of what we call the tactical shifts, flexibilities that are available within that. At this moment, main sochta hu ki rajya ko, it has got an excellent potential, a very high chance of falling into the quagmire of inefficiency. It can be the bottom U of Vimal. So we have to at this moment खड़े होकर के देखना पड़ेगा कि हम विमानों का अंतिम ऊन बन करके रह जाए. द पीपल हैव टू स्टैंड अप विद यूनिफाइड वॉइस, फोर्स देयर इलेक्टेड मेंबर्स. क्योंकि वही इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कि हमारे चाचा, ताऊ, भतीजे या हमारे फ्रेंड्स जिनके साथ हमने भी पढ़ा है. वी हैव टू फोर्स देम टू लिसन टू द वॉइस ऑफ रीजन एंड लॉजिक, प्रोवाइडेड वी नो व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द लॉजिक. सो वी शुड बी एबल टू वी The finger is not pointing there. The point of the finger is here. It is we sitting here. We have been told what are the strengths. A small window of time frame at this moment. I'm looking at next 5 years, day starts from now, in which this opportunity, if we cannot build upon this, then we will be cursing ourselves, no one else, the way we curse
India, when it got independence 54 years ago. If we are in a mess, it is because then we did not have the foresight. Today we have the experience of 54 years of inefficiency to identify and isolate those elements that have bred that inefficiency, that have bred almost every time I talk. I hear one thing, kuch nahi hum saab, pehle bhi koshish kar chahi, kuch nahi aaya, agne bhi kuch nahi bada. That is the baggage of the past we have to give away, because future is ours. We have to use that baggage as a pointer and to build upon, proactively preclude those elements that are going to the stumbling block. Take a lesson from that, but not carry them along with us. The body, jisko humne jo platform tayar karna hai, uske liye. The people giving direction, providing support, should be able to understand economic reasoning, able to implement offered solutions. क्योंकि ज्ञान बहुत है, अध्ययन, मनन और निधिध्यास, ज्ञान की तीन सीमाएं रहती, तीन स्टेप्स हैं. अध्ययन कर करके हम लोग अक्सर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वाइज टॉक्स बोमिली प्लेंटी, हाउ डू यू मेक इट वर्क. मैंने कुछ प्लेटफॉर्म में सुना था, साहब मेरे पास 100 स्कीमें हैं. मैंने कहा प्रभु एक काम कर दीजिएगा, एक स्कीम वाटर टाइट बना करके प्रेजेंट कर दीजिए. वी कैन नॉट पुट अवर थॉट्स ऑन द पेपर, because the moment we put it, we see the holes inside it. So we, the intelligent share here, has the responsibility to put those thoughts on paper, build upon it, and then make those projects and plans implementable. Platform, जो तैयार करने की बात चल रही है, आप सबका योगदान उसके लिए जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि वो platform है पर्यावरण, दृष्टिगत, आर्थिक विकास, चार शब्द ज्यादा नहीं उसमें. So it should be, the organization, the platform should be profit-oriented. जो देश सेवा करना चाहते हैं निष्कपट होकर के, मेरे ख्याल से 54 सालों से हम देख चुके हैं, अब स्वार्थी लोगों को जिनका स्वार्थ, they should be professional, depoliticized. लगभग 15-16 साल पहले मैं किसी इलेक्शन के दौर पर बॉडी में गया हुआ था, तो मैंने इससे पूछा कि तो क्या हो साहब इलेक्शन में, तो उनका जवाब था, साहब गढ़वाल की हर ढूंगी का मूढ़ी एक नेता बैठ में चल. We have no dearth of them. The best way to get support for that platform would be to compensate people for the time in a tangible way. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, देश सेवा करके, जन सेवा करके लिए हफ्ते में 2-4 घंटे हम दे सकते हैं, लेकिन घंटों, महीनों, सालों तक, दिन रात को उसको तभी हम करेंगे when we are going to get something back. So this is our state. We have to build it. इसको build करने के लिए जरूरी ये है. We know what we are given, we know what we are going to back. A roadmap has to be created. Yes, certain platforms are there, certain people are there who are discussing, negotiating. Those that are interested will be very happy to take that on, to build upon what we have. Nothing new is being invented. The downside of management consultancy, which I mean, is that every single idea and concept of the management is known to the people. The problem is that the management consultant is able to make it work. Not just the thoughts, but to make it feasible, to bring it forth. And that is a collective process, a synthesis of idea that has to come up and generate, and as we move on. What we need, avashyakta, not wants, needs kya hai? That is to be of a transparent system that will let good plans make way for better ones. We all have brilliant ideas, but if it's a better idea, please, let us step back and let the better idea take step and move on from that onwards. The need is of people to contribute with their experiences, with skills, to leave past experiences, baggage behind for the new environment. Samay badal chuka hai, paribhashaen badal chuki hain, desh, kaal aur patra, each individual, samay aur desh, the area, geographic area is going to be very important in this case. So people, the need is of people with the skills, then the need is of people to provide quality information with ability to walk the talk. Next is the need is of stakeholders to contribute to setup expenses. Excellent. Saab, aisa hai wahan par tum jo hai 250 megawatt ka power project laga sakte, $250 million. How much are you going to bring in? Saab, wo to government karegi. We are the people who are forming the government. We are the people who have sent the people there to form the government. It is we, the pressure group. So rather than a step backwards, and jaise jab main England mein tha to aksar baat hoti thi wahan ke log kehte the ki every Britisher feels that his neighbor should have one car.
We have to get up and say that, okay, I won't have one cup if you've got one anyway. Besides the point. The need is to understand that whole is greater than sum of the parts. हर ऑर्गेनाइजेशन में हम दूसरों को उनका हिस्सा तो दे देते हैं, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ जो मिला है वो सब मेरा ही कंट्रीब्यूशन था. दैट इज द सेल्फिशनेस. प्रॉब्ली व्हेन द प्लेटफॉर्म दैट इज बीइंग क्रिएटेड सम थॉट्स हैव बीन सेड एंड आई वुड वेलकम यू. द क्वेश्चन इज हाउ डू वी कम्युनिकेट. सिंपल थिंग इज, आपने कहा कि पहाड़ से जाने के बाद लोग अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं. हिंदुस्तान आने के बाद सबसे पहले काम मैंने किया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि नेटवर्क के इंटरनेट के लिए उसके लिए मैंने एड्रेस दिया. सिंपल सा एड्रेस, आई हैव कंट्रोल ऑन एवरीथिंग नाउ. टुडे इज द नीड टू क्रिएट अ टीम वर्क. आपने जिसके बारे में कहा था, व्हाट इज द टीम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टीम. सो इट इज प्रोबेबली वंस वी हैव अंडरस्टूड what goes inside to build the team, what is the time frame that is required to build the team, and teams are not built up saying that I think today Sunday let me take them off, so much in a team build up karunga. That is the people around us, the environment around us, the opportunities don't come knocking at the door. We have to get up and grab the opportunities. So these are not just the thoughts from a management consultant, but these are practical day-to-day experiences which we do take experience. The question is, are we the talkers? Or are we going to be the walkers? Walking takes a lot more strength than talking. The question is, what is the time? Time and again, I've emphasized on this, and I will repeat the bottom line in bold I have written. Time to move is now. So how do we move? Where do we move? I think over the period is a lovely feeling to put the right questions. So probably I can hear my own voice again. डॉक्टर के सी त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, जाकर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे. अभी तो आप लोगों ने बहुतों को सुना और अच्छे अच्छे आइडियाज मिले, क्योंकि नए राज्य का निर्माण हो रहा है. ऐसे मौके पर हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अभी जैसे कंकुला जी ने कहा कि नॉट आई बट वी. एंड एक और चीज उन्होंने बताई, नॉट टॉकर्स बट वर्कर्स. जो कुछ भी सोच पाए हैं उसमें कुछ विचार, उसमें सबसे बड़ी चीज है वो एक तरह आदि शंकरा ने कहा था, जल लभसे निज कर्मोपाक्तम चित्तम तेन विलोदय चित्तम. जो आप पावर में हैं वो सारा पैसा अपने लिए रखना चाहते हैं, या आप सिर्फ उतना लेना चाहते हैं जितना आपने काम कर रखा है, उसके हिसाब से जो आपका अपना हिसाब है वो आप अपने पास रखिए, तो सब फंक्शनिंग करेक्ट चलेगा. अगर आपने ये सोचा है कि नहीं, गवर्नमेंट का माल मुफ्त का है, अपनी जेब में रख लो, देन नथिंग विल हैपन. आपको हम एक चीज बताएं, आई हैव वर्क विद द गवर्नमेंट इन इंडिया, आई हैव वर्क विद द गवर्नमेंट इन स्वीडन. दो जगह. स्वीडन में कभी ये दिमाग में नहीं आता था कि गवर्नमेंट का माल मुफ्त है, हर समय ये रहता था कि एक पैसे का भी हिसाब रखना है, दैट हैज अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट. लेकिन यहाँ इंडिया में देखते हैं गवर्नमेंट के पैसे की अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कहीं पर. आपस में हम लड़ते रहते हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई किसी चीज़ के नाम पर, जात पात देश दैट 10,000 चीज़ें हैं. कुछ नहीं होगा तो एक सास बहू में झगड़ा तब भी हो जाएगा. कोई ये रियलाइज नहीं करता है कि ऑल आर इक्वल. तो वी हैव टू कम टू दैट स्टेज, ऑल आर इक्वल एंड दिस इज इंडिपेंडेंट कंट्री. द मोमेंट वी टॉक ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्री वी मस्ट नो दैट ऑल आर इक्वल. अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वी शुड बी देयर, नॉट आई. वैसे भी हमारे धर्म के हिसाब से आई डजंट एग्जिस्ट. और इसमें मेन चीज है ऑनेस्ट डिलीजेंस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन. दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. दूसरा सवाल एक और है. अभी लोग कैपिटल के लिए बात कर रहे हैं. कैपिटल किसी भी स्टेट की वो नहीं होती है जहाँ पर कि आपके पास सब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं. आप देखिए कैनबेरा, कैनबेरा इंडस्ट्रियल टाउन में नहीं है. कैनबेरा छोटी सी जगह है. सिडनी इज द इंडस्ट्रियल टाउन, मेलबोर्न इज इंडस्ट्रियल टाउन, बट नॉट कैनबेरा. ब्राजील में करप्शन को ब्राजीलिया इन 60s. तो ये कोई कैपिटल के बारे में हमें लड़ना नहीं है,
कैपिटल तो खाली एक जगह है जहां पर कि कुछ लोग बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन को प्लान कर सकते, उसके लिए लड़ने की बात नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर बनता भी है ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने मुझे एक इतना बड़ा मकान चाहिए। मकान इज नॉट एसेंशियल। स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर एक फ्लैट पे रहता है, किंग भी अपने हाथ में सब्जी की थैली हाथ में रखे हुए उसकी वाइफ कंधे में बच्चे को लेके चलती है। हिंदुस्तान में उसको शर्म की चीज मानते हैं ऋषि लोग। तो जरा सा ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है, ये हमारे धर्म में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सब लोग सुखी रहें और सब लोग हेल्दी रहें। अब सवाल ये आता है, हमारी गवर्नमेंट ने अभी जैसे इन्होंने कहा कि 54 इयर्स की बैड गवर्नमेंट और वट एवर यू कॉल इट, वो एक्सपीरियंस हमारा है। अब सवाल ये आता है, 1930 में जैसी सोशल डेमोक्रेट्स ना पावर में आए तो सबसे पहले उन्होंने एग्जिस्टेंस मिनिमा रखा। हिंदुस्तान आजाद हुआ हमने भाखड़ा नांगल बनाया, बड़ी बड़ी चीजें उन्हें वहां पर जैसे ही वो पावर उनके हाथ में आई सबसे पहला काम उन्होंने एग्जिस्टेंस मिनिमा रखा। एक मीटिंग में एक बिकॉज आई वॉज टीचिंग देयर तो एक स्टूडेंट ने हमें बुलाया कि फादर ने कह रखा है कि इंडियन टीचर आया हुआ है उसको जरा सा हम मिलना चाहते हैं। ठीक है आएंगे। तो ऐसी मीटिंग के बाद बात हो रही थी तो उसके फादर ने बताया कि देखो हमने जब यहाँ ये पुअर कंट्री था, एक कॉमन आदमी पुअर आदमी था, 30 इयर्स के अंदर आवर पुअरेस्ट मैन लिव्स बेटर देन एन एवरेज अमेरिकन, ये स्टेट आई। और वो कैसे आई, सबसे पहला काम ही जस्ट टोल्ड कि हमने उलट पलट के जो सबसे फेटेस्ट आदमी हमारे ग्रुप में था उसको उल्टा पुलटा के देखा कि पहले ये तो सोच लें। इम्पोर्टेंट सजेशन दैट इट इज वी फ्रॉम हियर और फ्रॉम ऑल प्लेसेस थ्रू आउट द कंट्री, इवन इफ दे आर नॉट फ्रॉम उत्तराखंड इट डजेंट मैटर, बट एवरीबडी हैज टू सी दैट ए न्यू स्टेट हैज कम, दैट स्टेट मस्ट बी एन आइडियल स्टेट। अगर एक जो नई स्टेट बन रही है उसमें कुछ आइडियलिज्म आ जाता है तो वही चीज फिर पर्कुलेट होती है इन ऑल स्टेट्स थ्रू आउट द कंट्री, नॉट ओनली थ्रू आउट द कंट्री लेकिन दुनिया भर में हम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं किस चीज के लिए। वी हैव टू टेल द अदर्स ऑल्सो एंड देयर आर एग्जाम्पल्स। अगर हम हर एक का वेलफेयर का सोचें तो कोई ऐसी वो नहीं है। और तीसरी चीज ये है क्राइम, एक क्राइम का के रूट में क्या है, एक तीसरी चीज ये है क्राइम, एक क्राइम का के रूट में क्या है, एक किसी ने कहा था विवृक्षता क्यों न करोति पापम। अगर हम हरेक के लिए जॉब फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं, अगर कोई भूखा नहीं है तो उस केस में क्राइम रेट कम होता है। क्राइम कब बढ़ता है, जब पेट में भूख होती है। तो अगर हमें क्राइम रेट घटाना है तो उसके लिए हमें ये भी सोचना होगा एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज फॉर एवरीबडी। और इसके लिए हमेशा एक चीज ध्यान में रखें, बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए। आप टेहरी डैम की पहले मत सोचिए, पहले ये सोचिए कि हम हरे गांव में पीने के लिए पानी कितना चाहिए, आर वी अरेंजिंग फॉर दैट। और मोस्टली पहाड़ों में क्या है, क्योंकि मैं भी उधर ही का रहने वाला हूँ, दिक्कतें क्या है, पानी दो तीन महीने बरसात के बाद तक रहेगा, उसके बाद फिर खेत में अगर आप एक थोड़ा सा गार्डन किचन गार्डन टाइप का भी बनाए उसके लिए पानी नहीं होता। होता क्या है, फर्स्ट फ्लश में सारा पानी बह जाता है। आपने कभी ये भी ख्याल किया कि जो डस्ट एक्यूमुलेट होती है 5-6 महीने या ड्राई डेज में, उसमें उसकी फर्टिलाइजर वैल्यू कितनी है, इट इज वर्थ टन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, करोड़ों रुपए की वैल्यू है, वो सिर्फ एक फर्स्ट फ्लश में निकल जाता है। और पहाड़ों में एक एडवांटेज ये है कि एरिया ज्यादा है, अगर वो प्लेन एरिया है उसमें लेंथ बाय ब्रेथ दैट्स द एरिया, हिल्स में वो ऐसे स्प्रेड है तो डस्ट ज्यादा कलेक्ट होती है। इसे नेशनल वेल्थ, इट्स नॉट ओनली उत्तराखंड वेल्थ, इट इज ऑल नेशंस वेल्थ।
तो वो भी ध्यान में रखिए, अगर आप पानी रिटेन कर रहे हैं 2-3 महीने तक उसको अगर आप रिटेन कर लेते हैं, फिर 5 दिन या 10 दिन के अंदर तो हमने देखा है कि जैसे पहली बारिश होती है उसके बाद बीज रुक जाता है. सो इट हैज स्टार्टेड यूटिलाइजिंग दैट फर्टिलाइजर. और वही चीज फिर जब रॉट करती है फिर वो फर्टिलाइजर का दैट बिकम्स अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ फर्टिलाइजर. तो हमें हर एक चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है. तो आपने कितना वल्नरेबल बना दिया उस एरिया कि कोई भी चीज जहां पर भी पानी सीपेज होगा वो लैंडस्लाइड होगा. उतना पहाड़ आपने कट कर दिया और जैसे लैंडस्लाइड हो रहा है आपने पहाड़ी इलाका भी कम कर दिया, एरिया कम हो गया उसका. इससे अच्छा ये नहीं है कि वी थिंक ऑफ समथिंग एल्स. तो नए टाइप के मोटर सिस्टम हो सकते हैं. लीनियर मोटर्स आज की देर नहीं है. जिस तरह मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ था सबसे पहले स्टार्ट वही चीज हुई. सो वी मस्ट ऑन दैट ऑल्सो. खैर हमने तो एफिशिएंसी को एम बना के कुछ उस तरह से बनाया था, लेकिन जब जिस समय इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं तो लगता है तो पहाड़ों के लिए आटा चक्की पीसने के लिए घट होता है. उसी और घट कितना पावर यूज कर रहा है. ओनली फॉर ए फ्यू आवर्स जितना लोगों के पास घर में अनाज है उसको पीसने के लिए काम में लाते हैं, ज़्यादा नहीं लाते. अगर उसी में आप पावर जनरेट करें, जनरेटर लगा दीजिए उसमें, तो 24 घंटे काम कर रहा है एक छोटा सा पावर जनरेटर. एंड देट कैन गिव इलेक्ट्रिसिटी फॉर द होल विलेज. कितना इकोनॉमी कर. नॉट ओनली दैट यू कैन दैट कितना है हमारे पास. और एक था और जब ये ईसी प्रोजेक्ट कश्मीर में भी एक फॉर्म बहुत बड़ा बन गया, हिमाचल में भी बन गया और अरुणाचल प्रदेश में भी बना, मगर यूपी में कुछ नहीं. जबकि ये अपनी जगह से पैसा नहीं जा रहा, ये गवर्नर इंडिया या ईसी आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी हिली एरियाज के बारे में सोचा नहीं. दूसरे एग्जाम्पल आपको मैं ही दूंगा कि 1977 में महाशिव की ब्रीम इस यूपी में भीम का भी पहली बार हुई और अभी कश्मीर में भी नहीं हुई और ना हिमाचल में हुई, आज तक भी नहीं हुई. जबकि 2 करोड़ का प्रोजेक्ट नेशनल फिश सी फॉर्म महाशिव का हिमाचल में आया और यूपी में कुछ नहीं आ रहा. जबकि ये 1977 में डॉक्टर तिवारी ने वहाँ ब्रीडिंग कराई थी. दूसरी चीज क्या होगा, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ आती है, हमारे यहाँ से एक नेशनल रिसर्च सेंटर जिसको उनके डायरेक्टरेट बना हुआ है हिमाचल में, यूपी में 1988 में पहले बिंदा में हल्द्वानी में खड़ा था, अब वो बिंदा में आया है. अगर ये एक इश्यू वहाँ आया था पूरा, उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है उसने तो अपना टाइम लिया 1988 से आए पर. जैसे हम पहले कश्मीर में गए थे, उन्होंने कहा कि ये भाई आपका फार्म है, हमारा फार्म है, याद दीजिए हमारा स्टाफ अपने काम करेगा. और यहाँ इन्हें क्या किया, इनके फार्म होने के बाद भी उत्तरकाशी में फार्म था और जिंदा में फार्म था, वो ही किया. आप जी अपना बनाओ, अपने माँ उसको दूध देती है, इस भाड़ा चढ़ने के लिए पहले अपना अपने घर से दूध देते हैं. इसीलिए जब हमारा उत्तराचल बनना है हमें ये भी देखना है कि हमें बाहर से क्या आया, वो प्रोजेक्ट आया या ये प्रोजेक्ट आया. हमारे यहाँ जो रिव्यू है अपने घर से निकलना चाहिए, अपना दूध माँ का दूध पहले आना चाहिए, हमारे पास वो क्या है उसको देखना चाहिए. जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब आके बाहर से मिलो. उसी में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो दो क्षेत्र है उत्तराखंड में, एक तो पहाड़ी इलाका है, एक जमीन जो अकेला जो मैदानी इलाका है. मैदानी इलाका में थोड़ा गर्मी है और गरीब गर्मी वाले बच्चे यहाँ पढ़ी रखते हैं. जो ऊपर वाला इलाका है उसमें ठंडे पानी की बच्चियाँ पढ़ी रखती है. और दूसरी बात क्या है, पहाड़ी इलाके में जो यूपी का है उसमें जो मछली की ताज़ा खाने वाले लोग हैं, क्वान्टिटी ऑफ फिश इज टेकन मोर इन हिल एरियाज दैन द प्लेन्स ऑफ यूपी. दिस इज द मेन डिस्ट्रिक्ट. और जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो हमारे पास ऐसे हैं 23,000 किलोमीटर स्टेट ऑफ रिवर सिटी है, जिसमें कि देहरादून में 2 रिवर है, उत्तरकाशी में 5, चमोली में 6, पौड़ी में 7, टेहरी में 2, नैनीताल में 3, अल्मोड़ा में 9, पिथौरागढ़ में 7. और जो हमारे नेचुरल लेक्स हैं, अगर आप
अभी वो ऋषि में जाएंगे, अगर आप ठीक से देखेंगे 200 साल पहले वो एक पहाड़ी इलाका था, उसमें कोई पानी नहीं था। उसमें क्या किया गया, बाहर से जो डॉट सही गया है वहाँ बांध बनाया गया टू रिजर्व दिस वॉटर। और कहते जब एक बार बहुत ज्यादा फ्लड आया था, जिसने वो बनाया था पॉन्ड वो खुद उसके ऊपर खड़ा रहा था घोड़े पर कि अगर ये जाता है मैं पहले जाना चाहिए। सो ही वाज सो मच कॉन्फिडेंट दैट दिस लेक विल बी रिजर्व हियर। लाइक दैट नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुशताल, ऑल आर मेड लाइक दिस। अगर हम इन लेकों को और भी जो मिनी बैरेज बनाते हैं उसे क्या रहता है, मिनी बैरेज अगर सब जगह बनाते हैं तो पानी रिटेन में रहता है, जो पानी रिटेन में होता है वो सीवेज होकर आपकी खेतों के सड़ जाता है। तो यू हैव नेचुरल वाटर रिसोर्सेज फॉर द लॉन्गर पीरियड, तो उससे उन सब मिनी बैरेज में मछली पालन भी कर सकते हैं। जहाँ हमारे पास नेचुरल लेक जो है चमोली में 7 है, उत्तरकाशी में 2 है, तेरी में 6 है, नैनीताल में 8 लेक्स है। और हमारे जो रिसोर्सेज है पौन के, ये मैं आपसे बताऊँ, यहाँ में दो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो भी उसी ही एरिया में है, मिस्टर वर्मा है और मिस्टर गौतम है। उन्होंने इन दोनों एरिया से डेडिकेशन लिखा है एंड देर आर सम ऑफिसर्स देयर लाइक लोहानी इज देयर, आशीष जोशी इज देयर एंड ऑल द थिंग्स आर देयर। वो है बट नेशनल सेंटर ऑन बोर्ड ऑफ फिश कल्चर देयर, अगर उसको पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उस एरिया की, देव बर्ग देव जून वर्ग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ है, बट ओनली वी नीड द हेल्प फ्रॉम द पीपल सो दैट वी कैन वर्क हियर। क्योंकि हम लोग भी पागल है पहाड़ों के लिए, हम भी चाहते हैं मैं भूमि में बैठ के सिर्फ पहाड़ों को सोचता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी अपनी वही दी है 32 साल में उसी में सोचते रहा है कि इन द सिस्टम फॉर 32 ईयर्स, बट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स ओनली, हाउ टू डेवलप आवर एरिया, हाउ टू डेवलप आवर हिली साइड। क्योंकि 1964 में जब 1962 में जब वॉर हुई इंडिया एंड चाइना की, एक आइडिया लोगों में आ रहा है कि पहाड़ी इलाकों में आर्मी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, मछली का कुछ ना कुछ होना चाहिए। तब एक फोटो फिश कल्चर सेंटर किया था, मतलब उसको डेवलप करने के लिए हम लोग जिन कार्पेंटर सुनेंगे उसने 55 किलो की मछली पकड़ी थी, 55 किलो, और कुछ उन्होंने दिखाया कि 40, 30, 35 यही पकड़ करते मछली महाशरी बड़ी बड़ी। मैंने खुद 1983 में एक सिंपल एंगलर से उसने 24 किलो मछली पकड़ी, एक छोटा डब्बा लेके, मगर उसको 2 बजे का टाइम था कि 2:30 बजे का टाइम था उसने वो मछली पकड़ी, मगर उसको भीमताल में कोई खरीदने वाला नहीं था, लकीली उसको बस मिल गई, वो नैनीताल चला गया और नैनीताल में उसने वो बेची। अगर वो अपने जगह रखता है तो वो सब जाती, कोई खरीदने वाला नहीं था, कि ग्लोबल इतने गरीब है। तो दूसरी बात एक और मैंने देखी है, मेरे पास एक वर्कर था जो उसकी पैंट फटी हुई थी, जब उसको मैं तनखा देता था उस दिन वो दौड़ा देता था, गंदा सुनता नहीं था। ये भी बहुत बड़ी जो वाटर बॉडीज है वहाँ सबसे बड़ी जो पुरानी मछियाँ हमारी हैं वो महाशीर, महाशीर जब लाई गई थी भीमताल में फ्रॉम गंगा अदर प्लेसेस, उसको सोचा था कि एक हमारा रिजर्व वहाँ बनेगी, ये मछली यहाँ रहेगी सेफ रहेगी, मगर हमारे कुछ बेचारे जो ने चाहे वो पन्नागढ़ के लिए मैं नाम नहीं लूँगा उसको, हमारे लोग भी है वो, उन्होंने वहाँ मेजर का प्लाटी छोड़ दी, जिससे कि जो महाशीर मछली है जो अंग्रेजों ने 1930 में लाई थी उसको डेवलप करने के लिए सेंचुरी बनाने के लिए उसको तबाह कर लिया। और वो मुझे वो आदमी मुझे बोलता है यार मैंने यहाँ इतनी मछली की, मैंने अगर तुमने मछली की अगर चलो 10 टन मछली आती तो तुम्हें महाशीर को खत्म कर दिया। ये हमारा जो नेशनल इसमें इंटरनेशनल सवाल है कि महाशीर कैसे डेवलप होगी, कैसे बचेगी, डेट दी फोर मेन को भी डेवलप करना है। तीसरा है ट्राउट, उत्तरकाशी में हमारा ऑलरेडी पॉन्ड था स्टेट गवर्नमेंट का, उसको वहाँ सेल फ्लोडिंग थोड़ा है इस मगर उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके वहाँ डेवलप हो सकता है। हमारा एक फार्म खुला है चंपावट में खुला है, क्योंकि ये क्या है चंपावट में पानी की कमी भी है मगर वहाँ भी कोशिश हो रही है कि ट्राउट मछली की वो किया जाए। और उससे क्या होता है कि जो महाशीर है ट्राउट है ये दोनों हमें एंगलर पैराडाइज है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अमेरिका में 4 मिलियन लोग एंगलिंग के लिए जाते हैं और इन ब्रिटेन 8.4
जो एक्सपेंडिचर फॉर बिल ओनली फॉर यूएसए $4 बिलियन फॉर एंग्लिंग, अगर इसमें से कुछ रिसोर्स हम ले लें, जबकि उनके यहाँ छोटी छोटी मछलियाँ और जबकि हमारे यहाँ कम से कम 30 किलो 40 किलो मछली मिलती है, अगर वो उनको पता चले उनको हमको अट्रैक्ट वैसे क्या होता है, क्योंकि सपोज आपके जमीन नीचे है और आपका पानी वो सैलाब में बह जाता है, तो आप इनसे कैनाल बनाते हैं और ये लैंड जो है इसको वहाँ डाल के आपका जो बीच वाला जमीन है उसके 2-3 फुट ऊपर उनके फ्रीड उनके कल्चर उससे वो चोरी होने की जरूरत भी कैंप में बनते हैं उनके पानी नहीं मिली देन वेगा टेन कल्चर वी एनक्रोच मोर एरिया एनक्रोचिंग द एरिया देन फूडिंग द फिश दिया एंड देन फीडिंग दम. क्या होता है कभी कभी जो नाला आपका आता है पानी आता पानी जाता है और जो बच्चे होते हैं बच्चे उसमें रह के वो मर जाते हैं उनको भी कलेक्ट करके उनके इसमें डाल के लेकिन क्या होता है पत्थर वहाँ गर्म हो जाते हैं गर्म होने के बाद वो पानी गर्म हो जाता है और बच्चे मर जाते हैं. दूसरी चीज क्या है वहाँ पहाड़ी इलाके में क्या है कि आपका जो घाट है जहाँ जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉइंट है उनको रिपेयर करना है और नए पॉइंट बनाने की जिसका फर्स्ट प्रायोरिटी है उस क्योंकि पहले हमने बोला कि हमारा जो हमने तो माँ का शिशु का दूध पी लिया अब भाई का भी खाना खाना है वो उसके लिए ये चीज़ें हैं. जो जैसे हमने बोला नेशनल हैचरी बनी है हिमाचल में वो यहाँ बननी चाहिए अब भी टाइम है क्योंकि है टॉप की सेंट्रल गवर्नमेंट है तो थी लेकिन हमारी जैसे नीट आएगी वो देंगे वो तैयार है जगह में कोई जाए पहले पानी के लिए सीमेंट पॉइंट कल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन पॉइंट्स साबुत को पता नहीं कि मछली क्या होती क्या नहीं होती हमने कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे तहसील लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहाँ के लोग आजा देखो और क्या होता है खुद काम करने दो अगर एक को दिखाया उसके बाद एक मैं हमारा एक साथी कहता है कि उसने क्या किया एक आदमी को सिखाया उसको बोला तुम ऐसा करो आज 6-7 आदमी को सिखाओ जब 6-7 आदमी सिखाया तो एक छोटा सा तंगुआ उनको दिया नाम तो नहीं जाता डैम में डाल दिया मछली समझ ली और 20 साल तक उस जगह कोई मछली नहीं होगी कोई जीवन क्रॉस नहीं होगी तो वी शुड मेक द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द हार्म पॉइजनिंग जो वो प्लांटेशन में इंसेक्ट्स डाले हैं उसका सारा पानी इसमें जाता है उसको बचाना उसको दिखाना. धन्यवाद डॉक्टर रमेश रंजन जी. और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि उत्तरांचल सरकार बनने के शायद 2-3 महीने के भीतर ही उनको प्रस्तुत कर दी जाएगी. हम चिंतन सत्र में व्यस्त थे चिंतन करते करते लंच का समय भी हो गया तो अभी मान्य विषय है उत्तरांचल का विकास मेरी संकल्पना. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. बिना प्रयत्न के तो सिंह तक मृग का शिकार नहीं कर सकता और किसी भी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उद्यम करना अनिवार्य हो जाता है.
हम उत्तरांचल के वासियों ने पिछले अनेक पीढ़ियों की सोच, संघर्ष एवं सपनों को डेढ़ सदी बाद साकार कर ही लिया। दरअसल हिमालय का उत्तरांचल क्षेत्र देश के उन भागों में से एक है जो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होते हुए भी सर्वाधिक उपेक्षित एवं पिछड़ा हुआ रहा। कारण सबसे बड़ा यही रहा है कि उत्तरांचल दुर्भाग्यवश हमेशा प्रशासन द्वारा उपेक्षित एवं आर्थिक न्याय से वंचित रहा। नून तेल लकड़ी के प्रिय सत्य है कि हमेशा कमजोर आर्थिक परिवेश वाली संस्कृति सशक्त आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश की संस्कृति के दबाव में आने लगती है। इतना ही नहीं पर वरन वह अपनी रोजी रोटी के क्षेत्र की संस्कृति को अपनाने भी लगती है। इसी कारणवश हमारे उत्तरांचलीय लोग अपनी संस्कृति को पिछड़ी हुई समझकर उसे मानने के लिए भी कभी तैयार नहीं होते। परिणामतः बाहर निकलकर जाने वाला हर उत्तरांचली किसी न किसी रूप में अंदर ही अंदर घुट कर टूटने लगता है और हमारी हिमालयी समाज की संस्कृति अंदर ही अंदर विघटित होने लगी। हमारा उत्तरांचल एक उपनिवेश मात्र बनकर रह गया जो देश के अन्य राज्यों की फैक्ट्रियों को सस्ते मजदूर, वफादार चौकीदार या सुरक्षा कर्मी, होटलों और बंगलों को मजबूर और मासूम घरेलू नौकर मुहैया करवाता रहा। अब अनेक संघर्षों के बाद जब यह बहुत सौभाग्य हमें मिला है कि उत्तरांचल पृथक राज्य की रचना हो रही है तो इस पीढ़ी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पूर्वजों एवं इस यज्ञ में अपनी आहुति देने वाले शहीदों के बलिदानों को व्यर्थ न जाने दें। संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था के जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरचना पृथक राज्य की संरचना का दूसरा आधार हमारे संविधान का अनुच्छेद 39 बतलाता है। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बढ़ा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का प्रयास भी की है। अधिकांशतः लोगों का यह कहना है कि उत्तरांचल की जनता और उससे संबंधित लोगों में इतनी परिपक्वता नहीं है कि वे इस प्रकार के सुनहरे अवसर का सही लाभ उठा पाएंगे। कईयों का तो यह भी मानना है कि यहाँ के लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे और तब तक लाभ कोई और ही उठा ले जाएंगे। व्यवसाय एवं तकनीकी विकास को लेकर तो बड़ी बड़ी नकारात्मक अटकलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि जब अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हुए थे तो क्या किसी ने यह कल्पना की थी कि भारत इस तरह विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में या व्यावसायिक क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में इतनी प्रगति करके विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना पाएगा। कुछ इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं तब भी सुनाई दी थी। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक भी कहना है कि स्वरोजगार की संधियों, तराई की उपजाऊ भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों का यदि सही उपयोग किया जाए तो अब तक घोषित 25 प्रदेशों में से सबसे समृद्ध राज्य उत्तरांचल ही बनेगा। विकास के पावन अभियान को प्रारंभ करते समय कुछ विशेष पहलुओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जैसे अपने राज्य की प्राकृतिक संपदाओं का सही मूल्यांकन करना, माताओं एवं बहनों बेटियों को समान अधिकार देकर उनकी कठिनाइयों को हल करने का प्रयास करना। याद रहे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवभूमि उत्तराखंड का विकास मूलतः प्राकृतिक चिकित्सा, योग, पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, राफ्टिंग, डाइविंग, स्कीइंग, ग्लाइडिंग व गोल्फ आदि की दृष्टि से किया जाना सर्वश्रेष्ठ होगा। इससे अन्य राज्यों की अपेक्षा हम प्रगति के पथ पर सबसे आगे निकल पाएंगे और एक ओर करोड़ों की विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा, दूसरी ओर अपने पहाड़ों की युवा पीढ़ी के पलायन को भी हम रोक पाएंगे। अन्य अतिरिक्त निर्माण कार्य से पहाड़ों में चौतरफा अनेक पुरस्कारों, पदकों एवं सम्मानों से हमें नवाजा है।
उनके स्मारक तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वसन की योजनाओं का गठन भी किया जाना अनिवार्य होगा। अब उत्तरांचल के विकास की मेरी संकल्पना का अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, जो कि बड़ा ही नाजुक है, वो है प्रश्न पूर्व प्रवासी उत्तरांचलियों का, उन लोगों का जिनकी मूल जड़ें उत्तरांचल में हैं। अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया है, NRU, नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडी। सच तो यह है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोर पिया मोरी बात न पूछे, मोर सुहागन ना हो। हम लोगों की सबकी गिनती इसी श्रेणी के लोगों में होती है। विकास की योजनाओं में बेशक स्थानीय निवासियों की ही जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी, किंतु जहां तक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, उद्योग, सांस्कृतिक विस्तार एवं विस्तृत दृष्टिकोण का प्रश्न होगा, प्रवासी उत्तरांचलियों को शामिल होने के लिए निमंत्रित किया जाना चाहिए, बल्कि इस प्रकार अपनी अपनी क्षमताओं का सहयोग। सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि हम गर्व से यह कहना सीखें कि हम उत्तरांचली हैं। हम दिल्ली या देहरादून की तरफ से न कहलाकर गढ़वाली या कुमाऊनी कहना है। अपनी बोली का अपने घर तथा अपने बंधु बांधवों के साथ प्रयोग करने से कभी न शर्माएं। वास्तव में यही तो हमारी अपनी पहचान है, यही तो हमें एकता के सूत्र में बांधेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सही कहा है, निज भाषा उन्नति है, यही उन्नति को मूल, सब उन्नति को मूल। भाषा की उन्नति में ही राज्य की उन्नति भी निहित है। अंत में मैं आपसे केवल एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि अब बहुत हो चुकी अपने बारे में न्यूनगंड की भावना। अब समय आ गया है कि जब आप सबसे मैं कहूंगी कि आप सभी गर्व से कहें कि हम उत्तरांचली हैं, गढ़वाली हैं या कुमाऊनी हैं। यही भावना हमें हमने वो प्राण फूकेगी जो हमें अपनी मिट्टी से जोड़ सकेंगे। एक समय वो था जब रोजगार के लिए हमारे पूर्वज पहाड़ों से मैदानों व सागर की ओर आकर बसे थे, पर अब एक समय ऐसा आने वाला है, उसमें देर नहीं लगेगी, जब हम फिर लौटकर अपनी सुजलाम सुफलाम धरती पर लौट जाएंगे। ध्यान रहे कि कहीं ऐसा ना हो, न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न इधर के रहे न उधर के ही हम। अपनी पहचान की खोज में पंजाबी गुजराती मराठी तो हम नहीं बन पाएंगे, लेकिन कहीं हम अपनी असलियत भी न खो जाए। आइए आज हम यह संकल्प करें कि हम अपने उत्तरांचल को हर प्रकार से समृद्ध बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और आज ही उत्तरांचल यानी 60 लाख की जनता। और एक तो जो विशेष बात मैं कहना चाहता था वो मेरी पूर्व वक्ता कह चुकी है और बाकी श्री उनियाल जी ने आपको कहा। मैं कई सालों से गढ़वाल रेगुलरली जाता रहा हूँ और साल में 2-3 दफे जाता हूँ। अभी बात हो रही है वहाँ से कि पलायन हो रहा है। मेरी समझ में क्या, अगर किसी गांव में 50 मकान थे तो 50 में से केवल 4 में ही आदमी रह रहे थे और बाकी सब वीरान और उजाड़ पड़े हुए थे, और जो रह रहे थे उनमें या तो वृद्ध महिलाएं थी या कोई वो आदमी रह रहा था जिसको कहीं नौकरी वहाँ मिली हुई है या उसकी कोई रोड साइड पर दुकान वगैरह है। बाकी और इस तरह का मुझे कोई आदमी वहाँ पे नज़र नहीं आया कि जो वहाँ पे रहना पसंद करता हो या रह रहा हो। अब यह जो स्वर्ग बनाए, इसी प्रकार इससे पहले मैं तो एक सेमिनार इसी प्रकार के गढ़वालियों ने अहमदाबाद में किया, मुझे वहाँ भी जाने का मौका मिला। तो वहाँ के जो आयोजक थे वो गढ़वाल में कई तरक्की की स्कीमें, दूसरा वहाँ पे जो है कि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, वहाँ पे जो 60 लाख की इन्होंने आबादी बताई है वो जनगणना के आधार पर है, उसमें काफ़ी कुछ परसेंटेज नॉन उत्तरांचलीज का है, जैसे स्कूल के टीचर और जो दूसरे विभागों में कार्य करने वाले हैं इस गिनती में वो लोग भी शामिल हैं। और तराई के इलाके में नॉन उत्तरांचलीज की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, वो भी जो इस जनगणना के आधार में वो लोग भी आए हुए हैं। इसलिए आप लोगों से अभी ये जो कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कितने लोग जाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि मैंने दिल्ली में बहुत सारे अधिकारियों से जो कि सर्विस के लिए तैयार होंगे
क्योंकि मैंने दिल्ली में बहुत सारे अधिकारियों से जो कि सर्विस से रिटायर हुए, हमारे यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर आईएएस से और फौज से बड़े बड़े पदों से रिटायर हुए, लेकिन आप बता दीजिए कितने आदमी गढ़वाल और कुमाऊँ में जाके पिछले 10 सालों में फंसे हैं, और अभी भी आप सर्वे करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं, और शायद इसी सभा में पूछ लिया जाएगा कितने लोग वहाँ जाके बसने के लिए तैयार हैं। आप लोगों में से कितने लोग वहाँ जाने जाएंगे? क्या दूसरा मैं ये चाहूंगा कि जो लोग यहाँ जोश दिखा रहे हैं, अभी जैसे वो पिछले डॉक्टर हैदरी ने बताया था कि ब्लॉक लेवल पर कमेटी होनी चाहिए, उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इस तरह का सेमिनार जो आप उनके वेलफेयर के लिए करना चाह रहे हैं, ये आप कम से कम ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में जाकर करना, उन्हें बताएं ज्ञान की जरूरत, और ये जो जरूरत है वहाँ के रहने वाले लोगों को है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता में रहने वालों की न तो इसकी जरूरत है और न वो कुछ करने वाले हैं। अगर आप किसी को वाकई रुचि है तो वहाँ के लोगों को बताएं, प्रोजेक्ट्स उनको दें, इन्फॉर्मेशन उनको दें। सरकार में यूपी सरकार में कोई ऐसा दुनिया के सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई कार्यक्रम उन्होंने वहाँ चलाया ना हो। ऐसी बात नहीं कि वहाँ कार्यक्रम चले नहीं, विकास के लिए कोई स्कीमें वहाँ आई नहीं, लेकिन स्कीम जनता तक पहुँची नहीं, और पहुँची तो उसका 10%। इसलिए अगर आपने एजुकेट करना है तो वहाँ के लोगों को, ऐसी बात नहीं कि वहाँ कार्यक्रम चले नहीं, विकास के लिए कोई स्कीमें वहाँ आई नहीं, लेकिन स्कीम जनता तक पहुँची नहीं, और पहुँची तो उसका 10%। इसलिए अगर आपने एजुकेट करना है तो वहाँ के लोगों को वहाँ जाके कीजिए, तब इस नया आया हूँ। आदरणीय सभासदों व उत्तरांचल वासियों को जुगरान का सत्यम नमस्कार। उत्तरांचल वासियों के लंबे संघर्ष का परिणाम आज हमारे सामने है। बहुत हर्षोल्लास के साथ हम अपने उत्तरांचल की भावी रूपरेखा व स्वरूप की चर्चा पर यहाँ सम्मिलित हुए हैं। राज्य के भावी स्वरूप का तय करना इतना आसान कार्य नहीं है, और इसी संदर्भ में रोजी रोटी के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं या फिर जो जवान युवक युवतियाँ हैं वे बेरोजगार हैं। आज़ादी के 53 वर्ष पूर्ण होने पर भी हमारा पहाड़ी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। जो समृद्ध परिवार हैं वे विदेशों में कार्य करते हैं, वहीं रहते हैं, वह कभी कभार अपने उत्तरांचल स्थित घर की तरफ आते हैं और खूब पढ़ा चढ़ा कर विदेशों की बातों से इन भोले भाले युवक युवतियों के दिलों में विदेशों की तरफ जाने का जादू जगा देते हैं। यही कारण है कि जो भी युवक पढ़ लिख कर खुद बन जाते हैं वे पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद नहीं करते और हमारा उत्तरांचल जहाँ का तहाँ रह जाता है। अगर यही बुद्धिजीवी डॉक्टर इंजीनियर कंप्यूटर ज्ञाता वैज्ञानिक अपने उत्तरांचल में ही रहकर इसका विकास करते तो यह पहाड़ी इलाका टेक्नोलॉजी की भव्यता रखता। अब जबकि हम इस नए प्रांत की नींव रख रहे हैं तो रोजगार के नए आयाम भी हमें ही ढूंढने होंगे। प्रयत्न करने से भगवान भी मिल जाते हैं। रोजगार के नए आयामों को बनाना व ढूंढना तो हमारे हाथों में ही है। आइए इसी सिलसिले में हम अपने उत्तरांचल के अंदर ही रोजगार के नए आयाम ढूंढते हैं। आज के संसार में हमें सबसे पहले कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए ध्यान देना होगा। उत्तरांचल का हर बच्चा जो कक्षा 8 में पढ़ता है और उसे कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि कक्षा 10 के बाद या उससे आगे इस शिक्षा द्वारा हर फील्ड में वह कार्य कर सके। उत्तरांचल की सरकार इसके लिए जितने भी कंप्यूटर केंद्र स्थापित करे वह कम होंगे। गांव-गांव में हर स्त्री पुरुष को चाहे वे कुछ भी कार्य कर रहे हों, घास इकट्ठा कर रहे हों, लकड़ियां काट रहे हों, सबको इस शिक्षा के बारे में अवश्य बताएं। ध्यान रहे यह टेक्नोलॉजी हर हाल में लेनी होगी, तभी हमारे रोजगार के आयाम बेहतर हो सकेंगे। PCO केंद्र पूरे उत्तरांचल में PCO स्थापित कर अपने बेरोजगारों को एक रोजगार का माध्यम दे सकते हैं। घरेलू उद्योग धंधे चाहे छोटे पैमाने पर ही लगाए जाएं, इस्माल का कार्य, चीड़ के पेड़ों से लीसा का व्यापार और ऐसे ही कई छोटे छोटे घरेलू कार्य हैं जो रोजगार के आयाम बन सकते हैं। मुर्गी उद्योग, डेयरी फार्म, बकरी पालन छोटे व बड़े पैमाने दोनों पर ही किए जा सकते हैं। पर्यटन उद्योग के लिए काफी कुछ उत्तरांचल में मौजूद है,
प्रकृति के अनमोल खजाने का पूरा सदुपयोग किया जा सकता है। पर्यटन स्थल खासतौर से ऐसी जगहों पर जहां नदी में बोटिंग की जगह बनाई जा सके, पहाड़ी इलाकों पर जहां प्रकृति की सुंदरता का मशीन लगाई जाए जो पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे पहाड़ी पर जाने की सहूलियतें प्रदान करे, वह रोजगार के आयाम स्वतः ही जुट जाएंगे। रेस्टोरेंट, होटल, लाज, जब पर्यटक सैलानी संख्या में होंगे तो होटल का कार्य भी खुद बखुद खुल जाएगा जो कई युवक युवतियों को रोजगार का साधन प्रदान कराएगा। उत्तरांचल सरकार छोटे छोटे कारखानों की स्थापना भी ठंडे क्षेत्रों में कर सकती है जिन्हें ठंडे क्षेत्रों में ही लगाया जा सकता हो। चिड़ियाघर, पर्यटक स्थलों को और आकर्षक बनाने में यदि चिड़ियाघर नजदीक में स्थापित किए जाएं तो और उचित होगा। पहाड़ी इलाकों में मेलों का बहुत चलन है, जैसे कांडा का मेला, नंदा देवी का मेला, बागेश्वर का मेला। परिवार कल्याण, शहर से दूर गाँव में रहने वाले परिवार जहाँ अस्पताल आदि नहीं है और खुद ही कार्यों के लिए दाई नर्स के कार्यों की ट्रेनिंग, शिक्षा ऊंचे पैमाने पर गांव गांव में दी जाए, इससे कई स्त्रियों को काम भी मिलेगा और माताएं अपने शिशुओं को अपने ही घर पर जन्म दे सकेंगी। और रोजगार के बारे में एक चुटकुला परंतु सच्ची दास्तान एक युवक की मैं इस संदर्भ में आपके सामने आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। एक उत्तरांचल का 17 वर्षीय बालक जो घर छोड़कर बम्बई काम की तलाश में आया, 3 दिन से भूखा एक कार के पास गिर पड़ा। इतने में एक कार मालिक पहुंचा और समझ गया कि बालक भूखा है। उसने कुछ पैसे बालक को खाना खाने के लिए देने चाहे परंतु बालक ने लेने से इनकार कर दिया। मालिक खुद खड़े कर सकते हैं, बना सकते हैं, बसरते हम थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा मैं और श्री रमेश चंद्र पंत जी एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं और उन्होंने मुझे आज ये जिम्मेदारी और पुण्य अवसर पर गढ़वाल भाषा प्रकाशन का ये आयोजन और सेमिनार किया है। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है और एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जिनको अभी नया नाम दिया गया है NRU यहाँ बैठ के मुंबई में कम से कम हमने काफ़ी टाइम से सोचना तो शुरू किया कि हमारा प्रदेश कैसा हो, क्या वहाँ समस्याएं हैं, उनका निराकरण कैसे हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ती है, चाहे वो एयर कंडीशन में बैठती हो, चाहे वो पेड़ों के नीचे बैठकर हो, शुरुआत तो कहीं ना कहीं जाएगा, इसका अमल भी आएगा, चाहे वो 100% ना हो, 50% हो, 70% हो, कुछ ना कुछ तो अमल में आएगा। और लोग बात जो इतना समय इसके ऊपर दे रहे हैं, अपना मूल्यवान समय दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उसको जरूर वो कुछ ना किसी तरीके से इसका यूटिलाइज करेंगे। नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गा की शक्ति और आशीर्वाद हमारे साथ है, हम एक बहुत ही अच्छे समय पर ये संगोष्ठी कर रहे हैं और हम उस प्रदेश के लिए हम बात कर रहे हैं जहाँ पर महादेव स्वयं विराजमान है, वहाँ के कर्तव्य में विराजमान है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। वहाँ संसार के पालनकर्ता विष्णु विराजमान है, वहाँ के कर्तव्य में विद्यमान है, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें कार्य में जुट जाना चाहिए। सब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे प्रदेश का कि जैसा हमें पता लगा कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, ये अच्छा ही है। दो लोग मन से काम नहीं करना चाहते उनको वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। और ये जो अभी बात चल रही है मिनिस्ट्री छोटी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स हमारी सचिवालय छोटा होना चाहिए, हमारे प्रदेश का मैं कहता हूँ बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ी कृपा मिली कि पहले से ही हमारे पास में खुद ब खुद छोटी मिनिस्ट्री छोटा सचिवालय मिल रहा है और हमें उसके बारे में बहुत बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं आज के जो विषय है उसके लिए मैंने दो सब्जेक्ट चुने हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। आपने जो इसमें लिस्ट दी थी उसको विकास योजना है, पर्यटन एक व्यवसाय, तीर्थ स्थानों का विकास, सड़कों का निर्माण, भूस्खलन, प्रशासनिक तंत्र, रोजगार के नए आयाम, हमने इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है।
समाज में जो सबसे छोटी इकाई है परिवार, उसको हमने और सरकारी खर्च को भी काफी कम रख सकते हैं। इस क्षेत्र में ज्यादा सरकार को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले सरकार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट, उसमें ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट भी आ सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट भी आ सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी आ सकता है, सब ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के ऊपर। क्योंकि हम अगर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बात करें या हम किसी क्षेत्र के विकास की तरफ बात करें, किसी गांव के, किसी तीर्थ स्थान के, किसी पर्यटन स्थल के विकास की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत से रोजगार हो सकते हैं, छोटे मोटे रोजगार हैं, होटल रेस्टोरेंट व्यापार फल फ्रूट जो वहाँ पर छोटे कुटीर उद्योग हैं उनका जो वहाँ पर बहुत होता है, हस्तकला के उद्योग हैं और एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इन सब के लिए अगर तो मैं कुछ स्लाइड भी बना के लाया था लेकिन मेरा समय नहीं है जो आपको दिखा दूँगा। प्रशासनिक तंत्र को सिंपल लाइफ, लेकिन ये आज के समय में संभव नहीं है क्योंकि हम जो है एक ऐसे ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, और सामाजिक क्षेत्र में पंचायती राज और ब्लॉक लेवल का प्रशासन ये बहुत ही जरूरी है अगर जो हमें क्षेत्र को विकसित करना है। और पंचायती राज में मेहनती हैं और इस बात को झुठलाती हैं कि महिलाएं शारीरिक तौर पर दुर्बल होती हैं। धन्यवाद। बाद में चर्चा, तो समय के अभाव में आप लोग थोड़ा जो है पृष्ठभूमि में अधिक जोर दे रहे हैं और सब तथ्य सामने आ रहे हैं तो घन के बचा रही है, इसलिए हम लोग अब ये करें कि पहले हम तथ्यों को मुद्दों को सामने लाएं और जब तक घंटी न बजे तब तक जब मैं उसका निकालते जाए। अब मैं श्री कानपाल जी से अनुरोध करता हूँ, वे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, शायद वे आए नहीं। श्री कानपाल जी, रोतेला साहब, जब ONGC में अभी यहाँ कार्यरत हैं, पवेल में रहते हैं, हमारे बीच में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं सिर्फ सीधे आगे बढ़ते हुए अपनी बात आपके सामने रखूंगा और थोड़ा सा दार्शनिकता से शुरू करूंगा। आप रात को सोते हुए एक सुंदर सपना देखते हैं, सुबह जब आप उठती है तो आप पाते हैं कि नहीं है, जहाँ थे कुछ नहीं बदला। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, उस सपने सच भी होते हैं और इन सच होने वाले सपनों को हमें गुनना पड़ता है, संजोना पड़ता है। आप जानते हैं बुनाई की प्रक्रिया में बड़े धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता होती है, एक भी फंदा या गांठ छूट जाए पूरा कपड़ा उधर सकता है। ऐसा ही ये सपना हम उत्तराखंड वासियों ने जो संजोया था अभी प्रारंभ तक हुआ है और अब हमें इसे बुनना है, संजो कर रखना है ताकि टूटे नहीं, ताकि विकास कार्यक्रमों के नीति निर्धारण में स्थानीय अधिकता की भागीदारी नहीं होना। और अब समय आ गया जबकि उत्तराखंड का बौद्धिक वर्ग जिसके कारण की आज हम आप सब यहाँ पर एकत्रित हैं, उत्तराखंड का बौद्धिक वर्ग उसके विकास की प्रक्रिया को सही दिशा में। आप जानते हैं उत्तराखंड के पास प्राकृतिक सौंदर्य का, वन संपदा और खनिज संपदा दुर्लभ ध्यान में न रखने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता गया। विकास वह होता है जो नियोजित हो, प्लान में जो आज की स्थिति हमारे विकास की स्थिति है, मैं उसे विकास भी नहीं कहूंगा, यह अविकास है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर दोहन उसको सही दिशा में कार्यरत रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना होगा, बाध्य करना होगा। हम उसमें खुले निश्चिंतता से बैठ नहीं सकते, हमें उनके ऊपर रेगुलर वॉच रखनी होगी।
अन्यथा राजनीतिक उठापटक में हमारा यह मुख्य उद्देश्य कहीं गहरक हो जाएगा, जो कभी नहीं, किंतु इन उत्सवों में संगठन की कमी अवश्य नजर आती है। सामाजिक उत्सवों का संगठन हमारी समाज कल्याण नीति का एक हिस्सा होना चाहिए। इस वर्ष की नंदा जात यात्रा इस दिशा में एक सराहनीय कदम रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों को बांटा जा सकता है। पहला धार्मिक पर्यटन यानी तीर्थाटन, दूसरा सामान्य पर्यटन यानी जनरल टूरिज्म, जिसके अंतर्गत कुछ दिनों के लिए पर्यटक आराम करने के लिए एक स्थान पर अधिकतर आते हैं और वो बदल के लिए। तीसरा है हेल्थ टूरिज्म, स्वास्थ्य पर्यटन, इसके अंतर्गत हमें जो सैलानी आते हैं वो रोग उपचार के लिए आने वाले या योग इत्यादि के लिए आने वाले लोग होते हैं। लेकिन इस संदर्भ में एक नारा देना चाहूंगा कि दल तुम्हारा हो या मेरा, समर्थ उत्तराखंड है सबका नारा। धन्यवाद। अवश्य व्यक्त करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात सामने जरूर आती है कि हम अगर दूध जमाते रहे, दही बनती रही, परसों मथा नहीं, तो दही में कुछ दिमाग खराब हो जाएगी। हमें तो घी बनाना है, क्रीम निकालना है, चिंतन के बाद मंथन, दही को भी मथना है, मथने का समय तभी मिलेगा फिर चिंतन सत्र समाप्त होगा। इसलिए एक बार पुनः अनुरोध है कि समय को और कम करके माननीय अध्यक्ष जी केवल 5 मिनट जो है उन्होंने दिया है, अब जो वक्त आएंगे 5 मिनट में ही चिंतन समाप्त कर देंगे ताकि हम मंथन की ओर आगे बढ़े। किस नाम, व्यवसाय, गांव का नाम, उत्तरांचल का पता, कभी अगर आप वहां चले गए तो कहां ढूंढेंगे, इसलिए उसमें जो उत्तरांचल का भी पता है वो सब जो है आपके पास हमारे कार्यकर्ता हरिपत्र देंगे, उसे आप चुपचाप से बिना किसी व्यवधान के भर के फिर लौटा देंगे। एक और हमने कार्यक्रम रखा बीच में चर्चा सत्र के बाद 10-15 मिनट का एक जो हम यहाँ पे जो है समूह चर्चा करेंगे, ग्रुप डिस्कशन, 7 हमने ग्रुप बनाए हैं, इसके बीच माननीय अध्यक्ष जी, आए हुए सभी मेहमान लोगों को सुरेंद्र चतुर्वेदी का नमस्कार। समय बहुत कम है, इसलिए हमें संक्षेप में बात करनी पड़ेगी। उत्तराचल का विकास मेरा संकल्प, आशा करता हूं मेरे दो शब्द जो एसीएम के पद पर कार्यरत हैं आपको साथ आने से करता हूं। मैं विषय के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में हम सब लोग यहाँ अपना घर अपना छोड़ के यहाँ आए हैं। मैं आज भी वो दिन याद करता हूं जब मैं दादा स्टेशन पर एक टीम की आदर्श शोध पत्र था। मन में एक शंका मुझे बार बार लहराती थी, मेरे से पहले जितने वक्ता थे रोजगार के नए आयामों के बारे में काफी बता चुके हैं, समय का भी अभाव है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। क्योंकि सर्वेक्षण के जो आपके पास की थी जो उत्तरांचल से पुस्तकें आती हैं उनके हिसाब से आपको मालूम हुआ होगा कि आज संपूर्ण उत्तराचल निजी क्षेत्र में केवल 32,000 नौकरियां हैं, परंतु पृथक राज्य बनते ही इनमें लगभग 5 गुना बढ़ोतरी होने की संभावना है। नई राजधानी, विधानसभा, मंत्रालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, शिक्षण स्थानों में मंत्रालयों तथा प्रदेश और केंद्र सरकार के तमाम विभाग, निगम एवं प्रस्तावित नए जिलों, तहसील और विकास खंडों में आदि करीब 1.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जल विद्युत उत्पादन एवं पवन ऊर्जा की क्षमता अभी पूर्ण लागू है उठाए जाए तो राज्य को करोड़ों रुपए की आय का साधन बन सकते हैं। इस संबंध में मेरा एक मेरा तो उत्तरांचल में एक सहकारिता आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाने का है, जिसके द्वारा हम अपनी भूमि के उत्पादनों जैसे दूध, घी, दही, ऊन, फल, फूल, सब्जी, कुकुर मक्का एवं उनसे बनी वस्तुओं को एक जगह एकत्र कर समुचित दामों एवं उचित बाजार में सहकारिता आंदोलन के द्वारा बेच सके। सफलतम सहकारिता अभियानों के बीच रहते हुए हमारा इनसे प्रेरित होना स्वाभाविक है। नए नए पर्यटक स्थल, हमारे तीर्थ स्थानों में पर्यटन विकास, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा उत्तरांचल राज्य के गठन के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सुचारू रूप से उपलब्ध करवाए जाए, हमारा राज्य निश्चित रूप से संपन्न राज्य होगा। मुझे देवेंद्र जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिनसे निच जात जिस देश पर अभिमान है वो नर नहीं, निरा पशु है और मृतक समान है। धन्यवाद।
एक खास से अनुरोध करता हूँ जाकर अपने विचार प्रकट करें। यहाँ पर उपस्थित सभी उत्तरांचली भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। मैं यूटीआई में नहीं, यूटीआई बैंक में हूँ और अब मैनेजर नहीं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ वो है बैंकिंग से रिलेटेड। सिंस आई हैव बीन इन द बैंकिंग फील्ड फॉर द लास्ट 15 इयर्स And before I say something, let me first tell you that I have not been associated with Uttaranchal for the last, say, I don't know when I went last. मैं सिर्फ चार बार गया हूँ उत्तरांचल और वो भी बहुत छोटे समय के लिए। So my personal contact with Uttaranchal बहुत कम रहा है। Whatever I am going to present is on what I have heard and what I have read and what I see from a banking point of view. Now, infrastructure पर सभी ने जोर दिया है, I don't want to speak on that, and that is the prime requirement for the development of any state in any field. So banking also requires infrastructure that includes transport, telecommunication, power, etc. Now when we have a look at the banking industry, what we see of late, VRS coming, closure of banks which are making losses. Now इससे एक सिग्नल जो हमें मिलता है, जॉब नहीं है तो इनकम नहीं, इनकम नहीं तो सेविंग्स, तो वी आर कॉट इन दिस साइकिल। नाउ वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल, नो व्हाट इज द वे आउट। नाउ सम इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड देयर। पर्सनली फील कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी शुड गो देयर टू लूज इट, वी कैन डू समथिंग हियर आल्सो फॉर उत्तरांचल। लाइक मिस्टर कैंदोला वाज स्पीकिंग ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स। Now that will be a very, very, that is a good idea, and we are going in for registration of that. And being here, we can study what is required. Somebody was talking of cooperative bank will play a very important role, because a bank that goes there, say any A bank. So A bank, वहाँ जाकर locals को नहीं देंगे, because locals if they cannot do something on their own or they do not have established business. For 5-3 years, if their good business is running, yes, bank will be. But somebody, if he wants to start on their own, unless they have some experience, some expertise, no bank is going to finance. Because no bank is here for charity work. But cooperative bank, say, वहाँ का local cooperative bank or Uttaranchal cooperative bank, so they can take a stand that we will provide funds for the development of people of Uttaranchal. Yes, that is a different thing. But you can't expect Bank of India to do that. You can't expect some other bank going there to do something for Uttaranchal people. No. They will do. They will do for people who are already in business. Somebody who wants to start a business. उसके बाद में एक निष्कर्ष पर निकला कि क्या हमको करना है। तो मैंने सबसे पहले वहाँ चीज देखी और कुछ चीजें ऐसी नहीं, जैसे उत्तरकाशी उस दिन भूचाल आया था, उस दिन में वहीं कुछ रात को मैं दिल्ली लौटा, उसके बाद दिन में वहाँ गया। वो सब चीजें मैंने जब देखी तो मेरी आंखें खुली कि हमने क्या किया अपने लिए, अपने मतलब अपनी टाइम फाइटिंग। सो देयर यू विल नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड। आई हैव हर्ड माय प्रीवियस स्पीकर्स, ये नहीं है, ये नहीं, दीज आर ऑल थिंग्स व्हेन वी हैव नो अपॉर्चुनिटी देयर वी कैन नाउ वी कैन क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। आवर लंदन पीपल आर हियर, Chamber of Commerce, we are going to set up here. We are responsible for guiding the government. What is needed? How the development can be brought? It is not our responsibility. So I request you, like this seminar, let us organize the seminars everywhere, let our intelligentsia contribute something and guide the government. Coming government, tell them, and the government is a immature yet. They will definitely. And like our Chamber of Commerce, if they come up, we can convince foreign investors, NRI,
एलर्जी टू बहुत इवन और आई कैन गिव यू द गारंटी ऑफ फील शाई ऑन दैट क्वेश्चन ऑफ गेटिंग द करेक्ट गाइडेंस दैट गाइडेंस आवर गैदरिंग लाइक दिस कैन डू दैट जॉब आई विश यू हैप्पी नवरात्रि एंड दस्ट विजयादशमी एंड आई विश ऑल गैदरिंग लाइक दिस विल बी बेनिफिशियल ड्रिंक गुड फ्रूट्स ऑफ दिस बुजुर्गों को जरूर साथ रखिए तो जो बात कहेंगे वो तो बिल्कुल पुराने अनुभव की होंगी और सटीक होंगी हमें अच्छी प्रेरणा मिली और सुबह से उथल पुथल जो चल रहा था कभी हाँ कभी ना कभी लग रहा था उत्तरांचल बहुत बढ़िया होगा कभी लग रहा था हम कहाँ जा रहे हैं कभी लेकिन उन्होंने हमें एक फिर बार हमारी जो है आंखें खोली हैं और हम पढ़े हैं घोषणा की थी कि हमने एक और कार्यक्रम रखा है इस संस्तुतियाँ जो रिकमेंडेशन हम देंगे उसके लिए हमने छह ग्रुप बनाए हैं छह समूह चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे किस प्रकार से करेंगे थोड़ा आप लोग ध्यान से जरूर सुन लें क्योंकि विषय तो हमारे पास 17 हैं मुख्य विषय 3 हैं सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास लेकिन उसको हमने जो है छह उप विभागों में बांटा है छह हमारे ग्रुप बनेंगे आप लोकतंत्र के विकास में महिलाओं की भूमिका और चौथा है नशाबंदी और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तरांचल ये ग्रुप एक होगा इसी प्रकार से ग्रुप 2 में उत्तरांचल की सांस्कृतिक धरोहर एवं भावी सुधार उत्तरांचल के तीर्थ स्थानों का विकास उत्तरांचल के ऐतिहासिक स्थल यह है सांस्कृतिक ग्रुप एक ग्रुप नंबर 2 है ग्रुप 3 संपदा का उपयोग उत्तरांचल में भूकंप प्राकृतिक प्रकोप व उपाय उत्तरांचल में सड़कों का निर्माण और भूस्खलन जो चौथा ग्रुप है वह है शिक्षा व भाषा इसका इसमें 2 विषय हैं उत्तरांचल की शिक्षा नीति एवं स्वरूप उत्तरांचल भाषा की चुनौती व एकरूपता जो पांचवा ग्रुप है उसमें रोजगार प्रशासन पर्यटन सभी विषय रखे गए हैं उत्तरांचल का प्रशासन अंतिम ग्रुप उसमें है उत्तरांचल का विकास मेरी संकल्पना ये मैंने अभी से इसलिए पढ़ के बताया हालांकि कार्यक्रम चर्चा सत्र के बाद होगा मैं किस ग्रुप में संस्तुति देना अपने जो है अच्छा समझता हूँ उसके लिए आप अभी से विचार करेंगे ग्रुप की घोषणा हम जो है चर्चा सत्र के बाद ही करने वाले हैं ये तो मैंने इसलिए बताया कि मालूम हो जाए कि छह ग्रुप किस प्रकार के अभी चिंतन सत्र के 3 वक्ता भी हैं और मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि चिंतन सत्र के 3 वक्ताओं के साथ ही चर्चा सत्र भी प्रारंभ हो जाए यानी उन वक्ताओं से अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप उसी समय उनसे पूछना भी जो है प्रारंभ कर सके वक्ताओं को अच्छा 3 में से 2 ही वक्ता हैं दूसरे भी उद्योगपति थे पीएन सिंह जी वे उत्तराखंड चले गए हैं अब हैं वक्ता श्रीमती निर्मला पाठक जी आप गृहिणी हैं सामाजिक व्यक्ति हैं और आपका विषय है समय अधिकतम 5 मिनट आदरणीय अध्यक्ष महोदय उत्तराखंड का सगे भाई बहन आज हम लोग उत्तराखंड नगरी मेले हम अपन भाषा भूल नहीं रहे तो जब हम अपन भाषा नहीं भूल रहे तो हम अपने आप को उत्तराखंडी तवे साबित कर सकते हैं ये लीजिए मैं ये शुरुआत करने लग रही हूँ अब अपन विचार जो है वो तो हिंदी में ही दे रही हूँ क्योंकि उसके लिए तो सभी लोगों का पहाड़ी से संबंध वो नहीं रहता जानकारी तो ये है कि विचार तो यहाँ पर एक से एक बहुत सुंदर विचार यहाँ कल्पनाएं सब लोगों ने की और अब हम लोग यहाँ पर कल्पना ही कर सकते हैं क्योंकि जो भी यहाँ पर विचार करने के लिए आगे आते के लिए बद है अब हम लोग अगर हम अपनी कल्पना से देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड में जन शक्ति वन शक्ति और जन मन और खन ये 3 जो है 3 हमारे यहाँ ऐसी धरोहर है जनशक्ति जैसे कि चाइना में सबसे ज्यादा है लेकिन चाइना ने उसका उपयोग किया हमारे उत्तराखंड में
जनशक्ति सबसे ज्यादा है, लेकिन आज वो लाचार है, कुछ कर नहीं सकती, कुछ नहीं वहां पर होने से, कुछ रोजगार नहीं होने से वो दिन पर दिन पतन के रास्ते पर शराब सिगरेट चाय के उस पर जा रही है, कुछ कर नहीं सकती, कुछ नहीं वहां पर होने से, कुछ रोजगार नहीं होने से वो दिन पर दिन पतन के रास्ते पर शराब सिगरेट चाय की उस पर जा रही है। इससे सबसे पहले तो जनशक्ति को जागृत करना है, उनको कुछ काम देना है, क्योंकि और दूसरा यह है कि वहां की जो महिलाएं हैं वे आज जागृत हो चुकी हैं। महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग जगह जगह बनाए जाए जिससे कि उन्हें काम मिले, और महिलाएं जो है वही समाज को आज हर जगह देखते, बाहर से भी लोग आते हैं वे वहां से निराश होकर जाते हैं, तो उन्हें खुश करने के लिए सबसे पहले पर्यटन विभाग को भी शिक्षित कर। शिक्षा का जो है, शिक्षा तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, क्योंकि बुद्धि भी पहाड़ की शुद्ध जलवायु की बुद्धि है, इसलिए उसका विकास किस प्रकार होना चाहिए, ये शिक्षा का विकास जो है उसके लिए भी प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। हमारे बड़े बड़े शहरों में जो युवा लड़के हैं अच्छे अच्छे क्षेत्रों में आगे बढ़ गए हैं, और जो औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, उन लोगों ने भी अगर अपने उत्तराखंड से जगह जगह गांव गांव में से सर्वे करके अच्छे अच्छे स्टूडेंट को, अगर एक जना भी एक स्टूडेंट को या कोई गृह उद्योग करना चाहे करें, पॉलिश करें, तो एक एक एरिया में एक के बदले पांच हो जाएंगे और ऐसे गिनती बढ़ते जाएगी, तो एक एक ग्राम जो है वो बहुत सुंदर होता जाएगा। तो ये साथ में जोड़ करके आगे बढ़ना, ये ना है कि नया कोई नए संविधान को कहते सामाजिक एकता, अब उसमें मैं बड़ा, मैं गढ़वाली, मैं कुमाऊनी, अब उत्तराखंड तो बन गया है, उसमें गढ़वाली कुमाऊनी कहाँ रह गए हैं, उसमें गढ़वाली कुमाऊनी कहाँ रह गए हैं, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय और अग्रवाल भक्त मंडल ने जो ये आज कार्यक्रम रखा है इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उसके लिए धन्यवाद भी, और यही विचार करती कि ऐसे कार्यक्रम होते रहे जिससे कि हमें यह पता चले कि हमारे बीच कैसे कैसे लोग अच्छे अच्छे विचारों वाले लोग हैं, और हमें हम उनसे मिलकर के कुछ काम करने की आशा रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन श्रीमती पाठक जी। पाठक जी ने बहुत बढ़िया बात कही, और जैसे हमारे और मित्र ने कहा है कि आज जो है उत्तराखंड की जनसंख्या है, अच्छा लगेगा कि मंच पे उत्तराखंड में 90% महिलाएं हैं, इसलिए कम से कम ग्राम पंचायत और ये जो अपने दूसरा जो है प्रमुख ब्लॉक प्रमुख लेवल पे कम से कम 70% जो आरक्षण महिलाओं को दिया जाए, ये मैं इस मंच से प्रस्ताव रखता हूँ। क्या आप सब इसमें सहयोग देंगे, क्योंकि महिलाओं की संख्या वहाँ ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि सरकार के लिए अर्थ है वो स्वार्थ हमारी महिलाओं में नहीं होना चाहिए। तो पिछले दिन हमारे जीआरसी में श्री रमेश चंद्र पंत जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम हुए थे और मीटिंग्स भी हुई थी, तो हम लोगों का ये विचार बना था कि ये उत्तरांचल भवन के नाम से या किसी दूसरे नाम से एक स्थायी अपनी पहचान बनाए, और जितने भी हमारे उत्तरांचलवासी बिखरे हुए हैं मुंबई में उनको धीरे धीरे जो है हम मतलब एक तरीके का हमें बहुआयामी भवन निर्माण का हमारा विचार है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं कि क्या उसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। तो जगह नियत कर गए हमारे पुराने जो भी कार्यकर्ता थे, अब हमें जरूरत है कि भवन बनाने की जगह हमारे पास है, अगर एक भवन बन जाता है एक जगह तो दूसरा ऐसे चार कि मैं बॉम्बे में ही पला बड़ा हूँ और मुझे गढ़वाली आती नहीं है लेकिन सारे समाज में आ जाती है। तो साथी नवी लाइन का तीसरा समूह
उपयोग करें आगे जनता को बाहर तो नहीं जा रहे, उसकी जो विकल्प है बाहर तो नहीं जा रहे। हमने पहले बहुत सारे बंद हटा दिए गए, महिला जब हम आए टाइम गाँव गए तो सारा कल्चरल ईद हो का अंतिम सत्र होगा। मैं इस सत्र के लिए प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री मंत्रिमंडल के दोनों उपाध्यक्ष श्री गीताराम भट्ट जी और श्री गुलाब सिंह बिष्ट जी तथा गढ़वाल भारत मंडल के सांस्कृतिक निदेशक श्री राजेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ श्री पीसी बलोदी जी, श्री बिष्ट जी, और आप लोग समापन सत्र की ओर आगे बढ़े। एक है समय मिला है अल्मोड़ा से, नैनीताल से डॉक्टर बीना सुयाल ने, उन्होंने कविता भेजी है हमारी संगोष्ठी के लिए जो हमें थोड़ा देर से मिली, तो मैं उसको आप लोग समझ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कुहासों के बीच आकार लेता उत्तराखंड, आओ बनाई सपनों को साकार करता उत्तराखंड, पूरी होती हमारी कल्पना का उत्तराखंड, इस चित्र में भरे अबलाओं की वह चित्कार वह पुकार, उस बलिदान के रंग उनकी आकांक्षाओं को साकार करता उत्तराखंड, उन शहीदों को याद करता, उन जड़ों को सींचता उत्तराखंड, लोक लिप्सा की भावना से दूर खड़ा उत्तराखंड, बलिदान की भावनाओं को समर्पित करता कड़ी मेहनत सच्चाई ईमानदारी से काम करने वालों का उत्तराखंड, सबकी भावनाओं का आदर करने वाला उत्तराखंड, आओ खाएं शपथ बनाएं ऐसा उत्तराखंड। यह कविता डॉक्टर बीना सुयाल कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल ने करके दी है। हम समारोह एवं संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि हम संस्कृतियों की ओर बढ़े, हमने जो भी चर्चाएं की, जो भी संस्कृतियां पढ़ी, जो हमने प्रस्तुत की है, उससे पहले मैं चाहूंगा कि यह संगोष्ठी कैसी रही, इसके विषय में आपकी भी कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, कुछ कमियों की ओर आप हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि हम भविष्य में उनमें सुधार ला सकें, जो उल्लेखनीय बातें होंगी उनको ही प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर पाऊंगा। मैं श्री मोहन जोशी से अनुरोध करता हूँ लाकर संगोष्ठी की हुई प्रतिक्रिया अपने विचारों में व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी सज्जनों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि गढ़वाल भारत मंडल द्वारा ये जो कार्यक्रम अनूठा कार्यक्रम किया गया था,
इसकी बहुत बहुत जितनी मतलब इसकी सराहना की जाए वो बहुत कम है। और ऐसे आयोजन हमारे देश में नहीं, हमारे उत्तराखंड में ज्यादा हों, विदेशों में भी हों, मैं तो ये आशा रखता हूँ, ताकि विदेशी लोग हमारी संस्कृति से अवगत हो सकें और वो संस्कृति को देखें। जो सांस्कृतिक वाली बात थी उस पर बहुत से वक्ताओं ने शायद कम ध्यान दिया है। मैं ये चाहूंगा कि कुछ लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर काम कार्य कर रहे हैं, हम अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनके द्वारा इस प्रकार का काम वहाँ पर कुछ खोला जाए। जैसे कि हमारे पास कुछ योगा टीचर हैं, वो कुछ योगा सिखा करके वहाँ पर अगर हम उन्हें जगह दे दें, योगा का कोई अच्छा है वो कर दें, वहाँ पर कुछ किताबें रख दो योगा के बारे में, तो यहाँ पर जितने भी गुजराती पीपुल्स हैं या जो भी यहाँ पर बिजनेस करने वाला आदमी है, मोटे ताजी है, तब उनको हजारों बीमारियां हैं, वो बीमारियों दूर करने के लिए वहाँ पर उनको यहाँ पर इतना वो करें कि हमारे उत्तराखंड में जाइए, हमारे पास ये संस्थान है, वहाँ पर आप एक महीना रहिए, आपको तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत सा पैसा वो लगा करके उनको बोला हम कोई पैसा से चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन हम वहाँ पर ये कि उस आदमी को उत्तराखंड में भेजें और उससे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करा करके, थोड़ा मेडिटेशन करा करके, वहाँ पर वो अपना 50,000 रुपया ले सकता है, जिससे हम अपनी ये जो सांस्कृतिक की बात है उसको बढ़ा सकते हैं और हमारा एक प्रकार से धंधा चल सकता है। वहाँ पर यहाँ पर के लोग जाएंगे वहाँ पर, वैसे ही आओ भारत से वो परिचित होकर के वैसे ही तंदुरुस्त हो जाएंगे, भले ही वो नहीं जा सकते हैं, वो अपने की इस प्रकार के कॉन्टैक्टर का प्रयोग करें कि यहाँ से ज्यादा लोगों को वहाँ भेजें, ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर के हमारी संस्कृति की, जैसे ये तो एक हुई जैसे हमारी संस्कृति वाली बात है, कुछ हम लोग अपने जितने भी हमारी संस्कृतियां वहाँ पर हैं उनकी कुछ झलकें हम लोगों को दिखाएं, तो उनका एक एंटरटेनमेंट भी होगा। पैसा हम उनसे चार्ज नहीं करेंगे, यहीं से कह के दिया है, हम ये कहेंगे कि इनका विकास के लिए हम आपको इतना सा पैसा देना है, ये देना वो देना, तो एक प्रकार से हम कर सकते हैं। बाकी मेरे बहुत से वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, ज्यादातर जो सब्जेक्ट विषय है वो कवर हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा समय न लगा करके इतनी अपने बात में खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद। एक और आपका ध्यान आकर्षित करना है, अभी हम समूह चर्चा कर रहे थे तो 6 हमारे पत्रक थे, 3 लोग, 3 ग्रुपों ने इतनी चर्चा की है कि दो ही हमारे पास पत्रक आए हैं, वो चर्चा हमें राज्य सरकार तक पहुंचानी है, तो अगर आप उसे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दें तो अभी इस संगोष्ठी में आप डॉक्टर निर्मला पाठक जी। उत्तराखंड में अगर धर्म की ओर को ज्यादा मोड़ा जाए तो वहाँ पर अगर जैसे हमारे यहाँ से कोई समूह ऐसा बने और आशाराम बापू जैसे महान प्रवचन कार्यकर्ता को अगर कहा जाए, सब विनम्र निवेदन किया जाए कि हमारा उत्तराखंड बन गया है, आप आशीर्वाद देने के लिए उधर पधारे, इस प्रकार से कोई ऐसे कुछ एक समूह बन करके उनको उस तरफ ले जा करके हमारे समाज के लोगों को इस ओर धर्म की ओर मोड़ दे तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक वक्ता को अवसर दिया जाता है। अब मैं क्योंकि मैं उस ग्रुप में था जिसमें कि भूकंप प्रकोप और इत्यादि की चर्चा नहीं थी, तो उस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक नया कंसेप्ट है, बहुत जगह कंसेप्ट इतना नया भी नहीं है, लेकिन भारतवर्ष में सभी जगह वो बहुत डेवलप स्टेज में नहीं है, क्योंकि हम एक नए राज्य के लिए जा रहे हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू से ही हमारा सही रहे, क्योंकि हमारे पास कुछ बड़ी परियोजनाएं लाइक टेरिड है, जिसको कि जिसके बारे में कि आप जानते हैं कि किसी दिन भी वो एक खतरे की घंटी साबित हो सकता है, तो खासकर इस तरह की परियोजनाओं के साथ साथ हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। तो कहता हूँ कि वे सुबह से चिंतन मंथन चर्चा ग्रुप समूह और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला है उसका निचोड़ आप लोगों के समक्ष रखने की कृपा करेंगे और आप लोगों की सहमति से उसको हम यहाँ पारित कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे। सम्मानीय अतिथियों, भाई भी शायद थक गया दिन भर, पूरे दिन की चर्चा जो हमारी हुई, शायद मैं खुद ही लाउड स्पीकर हूँ,
विचार की जरूरत नहीं है। उसमें जो निष्कर्ष हैं वो हम आपको बता दें और उसके बाद उनको फेर करके, जैसे कि आपको कहा गया है कि हम इसको न सिर्फ नई सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे बल्कि हमारा प्रयास रहेगा कि पंचायत राज स्तर तक ये हमारी रिकमेंडेशंस जाएं, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि सिर्फ हम ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और भी हमें हमारी सहायता के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं और जब भी जरूरत पड़े हम उनकी सेवा में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। ये जो ग्रुप डिस्कशन हुआ सारे दिन के मंथन के बाद, इनके जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको सुना दूं। जो हमारे ग्रुप ने जो डिस्कस किया है, उत्तरांचल की शिक्षा नीति स्वरूप और भाषा की चुनौती एवं एक ग्रुप का, उस पर ये निर्धारित किया गया है ग्रुप ने कि नौकरी पर आधारित वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसमें सुधार होना चाहिए और उसमें तकनीकी जानकारी और नए नए खोजों की जानकारी, यानी जो शिक्षा नीति हो वो कैरियर ओरिएंटेड हो, न कि सिर्फ लिटरेरी। एक सुझाव ये था, बहुत बढ़िया है। बोलने की भाषा अलग पहाड़ी है, आपस में स्थानीय स्तर पर भाषाएं भाषा स्थानीय बोल जाती है, लेकिन बाहरी स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर देवनागरी लिपि को लिपि की एक रूप का अपनाई जाए। मुझे लगता है ये सुझाव भी बहुत बढ़िया है। सामाजिक समस्याएं हैं, साक्षरता अधिकतम होते हुए भी कुंठाओं के कारण युवा वर्ग गलत रास्ते अपना रहा है, ये एक बड़ी भारी समस्या है, जिससे कम से कम वो लोग तो वाकिफ हैं जो कभी कभी उत्तरांचल जाते हैं, कि हम उतने एडवांस नहीं हैं उस स्थिति में जितने एडवांस वो हैं। जैसे किसी हमारे स्पीकर ने कहा तो किंगे को जा रही है, भाई क्या हो रहा है, कुछ हमको कुछ है कि नहीं कुछ बंदोबस्त। ये जो चीजें हैं, नशाबंदी के बावजूद और शिक्षा का स्तर, मतलब शिक्षा का जो प्रतिशत है वो 65% होने के बावजूद, मुझे लगता है सब कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी वहाँ की उपयोग नहीं कर पा रही है, इसलिए बड़ी भारी समस्या है। और इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो भी अगर और इससे ज़्यादा सिर्फ सुझाव ही नहीं बल्कि कभी अगर वहाँ जाके भी कभी किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें अपने व्याख्यान से, अपने प्रवचनों से, मैं कहूँ तो शायद ज़्यादा असर होगा। क्योंकि अक्सर होता यह है कि आजकल स्थिति वहाँ की यह है कि अगर हम जाते हैं तो हम वहाँ विदेशी होते हैं, क्योंकि वो वहाँ के राजवासी जो हम कहते हैं वहाँ के स्थायी सदस्य हैं। और ये किसी जमाने में कई साल पहले 20% लोगों से नहीं मिल पाया, 20% भी नहीं मिल पाया, मतलब 80% लोगों से मिला ही नहीं। ये जो बड़ी विडम्बना की स्थिति वहाँ बन रही है, दिया जाए कि वे नशाखोरों का सामाजिक बहिष्कार करें। अब ये कहां तक संभव है, ये बड़ा भाई भारी प्रश्न चिन्ह है। जो नशाखोरों पर बहिष्कार करने की बात करें, शाम को उनको ही चाहिए। तो पहली बात ये है, दो उसमें ऑल्टरनेटिव है। आजकल वहां नशाखोरी इतनी है कि पहले बोतल होती थी, अब करें पॉच है, दूध का पॉच, उसको यहाँ डालाइए, वो ट्यूब लगाई, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ी देर जब सिर घूमा तब मालूम हुआ कि इसने कुछ पिया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हमारा अंडरवर्ल्ड है ये चला रहा है, उसमें दिक्कत क्या हो रही है, पीने वाले पी रहे हैं, खराब चीज भी पी रहे हैं, अगर टिंचरी होगी तो टिंचरी भी पी जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं विभिन्न योजनाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन बहुत बड़ा सुझाव है, लेकिन पहले वहाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा और अब भी दोबारा मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, कि पूरी जो मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल सही उदाहरण। मैं गाँव गया था, पंचायत उसका चुनाव था, तो पहले दिन कहते हैं, मैं तो फिर भी बाहर का था इसलिए मैं उस मीटिंग में नहीं गया, लेकिन जो हमारे गांव के गए थे उन्होंने कहा, हाँ भाई फलाने गांव का उसका नाम हमने चुना है कि वो अध्यक्ष बनेगा पंचायत राज का। दूसरे दिन सुबह मेरे उठने से पहले हमारे पड़ोसी गांव का एक आदमी आया,
भागते भागते मैंने कहा सूरज में कहाँ भाग रहे हो? बोले क्या करूँ साहब, मेरा नाम उन्होंने चुन दिया कि तुमको खड़ा होना है, मुझे कुछ पता ही नहीं, इसलिए गाँव वहाँ भाग रहा हूँ। तो भाई मेरा नाम है याद रखना। और ये सिर्फ किस लिए है? सिर्फ जाति, पहले ब्राह्मण था अब क्षत्रिय क्यों नहीं, पहले क्षत्रिय था अब ब्राह्मण क्यों नहीं? अरे भगवान, हम सब इंसान हैं, हम ये भूल जाते हैं और सिर्फ लेबल लगा देते हैं। तो ये भावना वहाँ हटनी चाहिए। और जब तक ये औरंगाबाद में फिर उत्तरांचल कोई सस्ता है, उन्होंने पहली बार कार्यक्रम देखा, इतने प्रभावित हुए मुझसे, वो गया था एज इन्वाइटिव, हमारा एक दोस्त है वहाँ, उन्होंने कहा जब मंडल के अध्यक्ष आए तो तुम भी बैठ जाओ। तो मैंने कहा फिर दो मिनट मैं भी बोल दूंगा। किसी भी योजना को तब तक कारण नहीं किया जाए जब तक महिलाओं का समर्थन उसमें न हो। इस पर शायद काफी कुछ चर्चा हो गई है कि जब 70% महिलाएं हैं उनको तो पूछना ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं होगा। पर फिर भी ये हमने रिकमेंडेशन नोट कर दिया है। एक है कि जंगल काटने के बारे में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है, जंगल काटने तभी बंद होंगे जब हर गांव में गोबर गैस को अन्य गोबर गैस का प्लांट हमारे छोटे शहरों में तो है, इसका प्रचार हो सकता है। और उसका जो जंगल का जो लकड़ी काट के धुआं वगैरह निकलता है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। पानी के लिए चेक डैम्स बन सकते हैं। भूकंप को रोकने के लिए प्लांटेशन जरूरी है। प्लांटेशन मुझे एक बात याद आई, अभी जो वर्तमान सरकार है अभी तक है पर यूपी गवर्नमेंट की, उसका प्लांटेशन के लिए अलग से बजट है। समस्या ये होती है कि बजट जो लगातार जारी रहा तो क्या हमारी स्वयं की सरकार बनने से हम उत्तरांचल का भला कर सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है। सेपरेट फ्रॉम पिलग्रिमेज टूरिज्म का, सर टूरिज्म के हमें दो भाग करने पड़ेंगे। एक तो होगा कि टूरिस्ट जैसे आते हैं, ये आम टूरिस्ट होता है, दूसरा होगा पिलग्रिमेज के लिए जो आते हैं उनके लिए दो अलग अलग वैक्सीनेशन करना पड़ेगा हमें। जो सिर्फ घूमने के लिए आते हैं उन्हें बढ़िया होटल चाहिए, उन्हें बढ़िया खाना चाहिए, लेकिन जो पिलग्रिमेज के लिए आते हैं उन्हें धर्मशाला भी चलेगी, समाप्त होना चाहिए। दरअसल इतना डीप रूटेड हो गया है, शायद इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि टॉप से बॉटम तक आजकल हम करप्शन में ही जी रहे हैं। शायद अगर खून निकाला जाए सबका और टेस्ट किया जाए तो उसमें 80% करप्शन मिलेगा। तो नो पॉलिटिकल इंटरवेंशन, यस एग्री एज फार एज आवर लेवल इज कंसर्न, मैक्सिमम राइट टू बी गिवन टू पंचायत, एग्री पंचायत और ब्लॉक्स को मैक्सिमम अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि वही बहुत गवर्नमेंट लोकल पीपल्स रिक्रूटिंग ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, आई थिंक ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हमारा अलग से राज्य स्थापित हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो सजेशंस हैं, एग्रीकल्चर, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्री, इलेक्ट्रिक पावर, कोल्ड स्टोरेज एंड कैश क्रॉप की वगैरह वगैरह। उत्तरांचल की सांस्कृतिक धरोहर एवं भावी सुधार, शिक्षा बनाम साक्षरता की तरफ ध्यान आकर्षित करना एवं परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तीर्थ स्थल का विकास, बेसिक फैसिलिटी बढ़ाई जाए, तीर्थ स्थलों क्षेत्रों के पास होटल के माध्यम से ऐतिहासिक स्थल पावनगढ़ धरोहर पर सूचना सर्कल विचार जनसाधारण तक पहुंचाना नोट कर लिया गया है। अन्य से ऊपर उठकर कार्य करें, इस पर हम पहले काफी कुछ बोल चुके हैं कि दलगत जातिगत वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम भारतीय हैं, फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम उत्तराखंड वासी हैं या उत्तरांचल वासी हैं। उत्तराखंड के नागरिकों में उत्तराखंडी होने के गर्व की भावना का प्रतिपादन करना कि वहाँ अच्छे ढंग से शासन चले, स्थानीय उत्सवों को जनता तुरंत लाभान्वित हो सके, इसी के साथ वहाँ कृषि आधारित रोजगार और उद्योग स्थापित होने चाहिए। उत्तरांचल की विपुल प्राकृतिक संपदा यथा वन व जल आदि संपदा का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का उचित प्रबंध हो। ये बिजली को देखें मुझे अपने गाँव की आजादी है, हमारे गाँव से बालाघाट पैटर्न और तीर्थाटन को बढ़ावा दिया जाए काफी आगे है, वहाँ के तीर्थ स्थलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी धार्मिक महत्ता भी बढ़ी रहे।
वहाँ सूचना प्रौद्योगिकी व संचार क्रांति पर विशेष बल दिया जाए, वहाँ की ज्यादा पीते हैं। हम पहले मुंबई में 43 years, 45 years हो गए, जब तक यहाँ सुनिए जब तक यहाँ दारू बंदी थी तो ब्योरा लोग रोड पर बहुत पीते थे, जो झूठे झूठे आज लैब करते थे, लेकिन जब से ये दारू बंदी खुली एक नहीं दिखता। वहाँ की महिलाओं के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ किए जाए। मुझे पता है महिलाओं ने उत्तरांचल मिलने में जितना सहयोग दिया उतना पुरुषों ने नहीं दिया, ये तो हर कोई जानता है। कितनी बार टीवी पर आ चुका है स्टार्ट करके, और हम जितनी जल्दी हो इसको हम बुकलेट फॉर्म में प्रकाशित करके यहाँ तो हम भेजेंगे उत्तराखंड में पूरे पंचायत लेवल तक जहाँ तक हो सके हम इसको प्रसारित करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद उस पर फॉलो अप भी करेंगे। कारण ये होता है, जैसे किसी ने कहा कि शायद किसी प्रश्नकर्ता ने कहा ये क्या है, क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है कि हम हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम पूरी तरह इसको फॉलो अप करते जाएं। हमारा दायित्व तो और भी बढ़ गया है, जहाँ तक हमारा प्रयत्न रहेगा हम अपने स्तर से जितना हो सके अपने स्तर से और आप लोगों के सहयोग से जितना हो सके वहाँ अच्छी से अच्छी सरकार बने इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार बड़े हार्दिक दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। क्या बोले सारे और एक बात है, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि आपने सारे दिन हमारे साथ गुजारा है, आज पूरा संडे सुबह पंजाब सिंह गुजरात माया।